विंटर्स आर फन राइट, पर सर्दियों में त्वचा कितनी रूखी हो जाती है, तो अपनी त्वचा को ओके, आई होप सब कुछ क्लियर है। कमेंट बॉक्स में जरा बताएं सबको, वॉइस मेरी आ रही है बराबर? व्हाट विल बी द बैंक निफ्टी ट्रेड टुडे? ओके, हम देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी प्री ओपन हुआ है, मार्केट सेटल होने दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरा बताएं सबको, वॉइस मेरी आ रही है बराबर? व्हाट विल बी द बैंक निफ्टी ट्रेड टुडे? ओके, हम देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी प्री ओपन हुआ है, मार्केट सेटल होने दीजिए। ओके, वॉइस आ रही है, मेरे यहाँ पे चेक हो गया है। ओके, सो अभी हम इसको बंद करते हैं और कंटिन्यू करेंगे अपने न्यूज़ के ऊपर। कैन वी बाई नाउ आफ्टर रिटेस्ट? ओके, कर लो भाई। तो सबसे पहले देखिए, मैं मोहित पाठक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको थैंक यू अगेन। तो मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ आई होप आई एम क्लियर। सो सबसे पहले मैं मोहित पाठक और आपका वेलकम करता हूँ स्टॉकियन, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं सबसे पहले तो लाइव रहूँगा आज 9 से लगभग 11 बजे तक रहूँगा। और मार्केट चूंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है और देखते हैं क्या होता है, डाउ फ्यूचर बोला है, तो आज मैं आपको, देखो मार्केट को साइड में रखो, मार्केट को भूल जाओ, मैं आपको कुछ एक इनपुट देने वाला हूँ लर्निंग की, मार्केट में आपको क्या क्या देखना चाहिए। और खास करके जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो लाइव रहना ये देखना है। इसमें आपको देखना है कि भाई जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप उस पर बने रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ब्रोकर भी हूँ, तो हालांकि मैंने अपने क्लाइंट्स को बोल रखा है कि आज मैं लाइव रहूंगा 9 से 11 बजे तक, तो आप लोग फोन उसके बाद ही करना, बट कोई मानेगा नहीं, देखते हैं। तो मेरे जो ट्रेड्स होंगे, चूंकि मैं ब्रोकर का टर्मिनल भी हैंडल करता हूं, तो यहां पे जो भी ट्रेड्स लगेंगे वो मेरे क्लाइंट्स अकाउंट में लगेंगे। तो आप लोगों को ऐसा समझना है कि मैं अपना जॉब भी कर रहा हूँ, तो आज देखिए ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सिर्फ इसके लिए लाइव रखा है, तो मैं ऑफिस में अपना काम भी करूँगा और आपके लिए लाइव भी रहूँगा और यहाँ पे चलता रहेगा। मतलब 9 से 11 बजे तक मैं जो भी करूंगा आपको उसको समझना है। तो मैं अपना काम भी करता रहूंगा यहाँ पे, आपके साथ सपोर्ट भी करता रहूंगा। लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और थोड़ा सा नॉइज़ का भी इशू आ सकता है, मेरे पार्टनर अभी आए नहीं है, धवल भाई साहब आ जाएंगे। और तो ऑफिस का माहौल है, मैं अपना काम करता रहता हूँ और समझिए कि मतलब पूरा, तो जो भी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ लाइव आया हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं अपना पूरा काम करूँगा जैसे मैं डेली करता रहता हूँ। और
खास कोई मैंने सेटअप बना नहीं रखा है कि भाई चलो आज लाइव करते हैं तो ये सब करना है, बस लाइव आना आने का मन किया, काफ़ी लोगों ने बोला, मैंने कहा चलो आ जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो भी नॉइस के इशू आएंगे उसके लिए कोई मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जो भी मेरे काम होंगे मैं अपना काम करता रहता हूँ, मेरे पर्सनल भी काम कभी कभी लाइव मार्केट में चलता रहता है, तो वो सब चलता रहेगा अगर आया तो, अदरवाइज मैं 9 से 11 तक कहीं पर बैठा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए जब भी मार्केट ओपन हो, तो ये क्या है, 905 907 पे आपका रेट सेटल होता है, जो है कि आपका मार्केट का हॉस्पिटल तो जाता ना नौ ना ही हॉस्पिटल का कर जाए के। और तो 10 बजे पहले कहाँ जाओगे। ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वॉइस ओके, थैंक यू। आपका फेस नहीं दिख रहा है क्या बात है, यहाँ पे फेस नीचे है ना, दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा, राजेश शुक्ला, अच्छा राजेश, ओके, तुमको नहीं भी दिखेगा तो भी चलेगा, ही इज़ माई फ्रेंड, तो नो वीडियो एंड ऑडियो। मनोज भाई चेक करिए क्या इशू है मेरे यहाँ पे, मैंने सिस्टम देखा, लाइव मर्चेंट कैमरा देखा, चलना देखा, आ बता, मैंने अपने सिस्टम पे चेक किया मनोज भाई, मोबाइल में आ रहा है बराबर, देखिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये सब का टेक्निकल। ओके ओके आ गया, सी ये लाइव वाइव का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करता हूँ। ओके चलिए, तो अभी हाँ, अब मार्केट 9:00 मतलब 9 बजे शुरू होता है, आपको पता है, आपको सबसे पहले nscindia.com पे आ जाना है और चेक करना है प्री मार्केट। प्री मार्केट चेक करने के लिए जो एकदम नए हैं उनको क्या स्टेप रखना चाहिए ध्यान दो। पहली चीज़, तो आप यहाँ पे आ जाओ nscindia.com पे, मार्केट डेटा एंड प्री मार्केट और प्री ओपन मार्केट। अब यहाँ पे देखो कि डिक्लाइन एडवांस, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो, आज कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, 50 के 50 स्टॉक जो हैं टोटल नेगेटिव टेरिटरी में खुल रहे हैं, मतलब 50 के 50 डाउन खुल रहे हैं। ओके, और एडवांस में क्या है, कोई नहीं है, तो मतलब आज ऊपर आने की उम्मीद नहीं, मतलब गैप, जो गैप डाउन ओपनिंग होगी पक्की है। गैप डाउन कितने पॉइंट का हो सकता है, 351 पॉइंट्स का। 9:08 पे रेट प्रॉपर सेटल हो जाता है, तो आप 9:08 पे जो आपकी क्लोजिंग होगी यहाँ पे जो रेट दिखेगा वही आपका फाइनल ओपनिंग होगा निफ्टी के लिए, उस पर याद रखिए। 8-9 पे भी देखोगे चलेगा, 10 पे भी देखो चलेगा, कोई बात नहीं, बट 9 के 9, 7 के 6 के पहले मत देखना, वरना क्या होता है फिर वो एरर आपको दिखाई देगा। तो अब पहला स्टेप ये हमारा रहता है कि हम प्री मार्केट ओपन देखें। अब 9:07 हो चुका है तो हम समझते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, 370 पॉइंट का माइनस हमें दिख रहा है कि भाई कम से कम 370 पॉइंट मार्केट खुल सकता है। अब लेवल क्या है, 17,188, हमारा लेवल क्या था, 17,160, याद है ना, लेवल प्री मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से 17,160। तो अब आपका स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले अपने चार्ट पे आ जाओ और लेवल मार्क करो। लेवल हमारे क्या थे, 17,004, यहाँ पे तो 4 आपका दिख रहा है, ये आपका लेवल देखिए यहाँ पे 17,188, तो सबसे पहले आपका ये 440 मतलब यहाँ पे लेवल टूट जाएगा, हमारा ये वाला लेवल था, ये एग्जैक्ट उसी जगह पे खुल रहा है। ओके, अब हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, देखो 360 370 पॉइंट माइनस माइनस में है, तो खुलते पहली बात तो बाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एल्गो ऑर्डर लगा हो और तुरंत बाई कर ले, समझ रहे हो ना, यहाँ पे एल्गो ऑर्डर लगा हो सकता है, जितने भी ऑर्डर आएंगे वो तुरंत बाई कर लेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले देखो शुरू के 10-15 मिनट में मार्केट का क्या सेंटिमेंट है उसको देखो, देन उसके बाद आप डिसाइड करो। ओके, तो मार्केट ओपन कहाँ पे हो सकता है, इस लेवल पे ओपन हो सकता है, हमारा जो प्लानिंग था हमने जो डिसाइड किया था भाई यही लेवल है तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब दूसरा स्टेप ये तो गया निफ्टी का। ओके, अब बैंक निफ्टी के जो प्लेयर हैं तो वो बैंक निफ्टी के देख सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं कहता हूँ कि आप जा करके सबसे पहले सिक्योरिटीज इन एफएनडो में जाओ और एफएनडो में जितने भी स्टॉक हैं उनमें देखो कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे MFSL है थोड़ा सा, बाकी ये भी आ जाएगा, ये आई थिंक ओपनिंग रेट सेटल हुए हैं इसके हिसाब से ऊपर दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ओके MFSL थोड़ा सा ऊपर है, सिंजिन भी, और मतलब जो कम डाउन है, बाकी सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा डाउन खुल रहा है आपका यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखेंगे, यहाँ पे चेंज परसेंटेज देखना है। ओके, यहाँ पे आपका चेंज परसेंटेज होता है, इसमें देखना है परसेंटेज वाइज चेंज देखना है, सबसे ज़्यादा जो डाउन खुल रहे हैं वो बड़े बिग प्लेयर्स के यहाँ पे खुल रहे हैं वो देखना है। तो IRCTC डाउन है, आई थिंक जो हमारा गवर्नमेंट है, देखो गवर्नमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट मत किया करो, वहाँ पे क्या है कि पॉलिसीज़ का चेंज होने का बहुत इशू रहता है। ओके, चलिए क्लाइंट का फ़ोन आ गया है, हेलो, नहीं बुक कर लो, खुलते ही बुक कर लो। हाँ, और मैं लाइव हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा देखना, सॉरी लाइव हूँ यूट्यूब पे मैं, अच्छा यूट्यूब पे लाइव हो,
हाँ ठीक है मैं देख बिल्कुल। लूँ। हाँ बाकी सर 200 रुपये का है, 600 ट्रिपल तो जाएगा ना, 400-500 पॉइंट तो बढ़े कम से कम। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। डेल्टा से कैलकुलेट कर लो ना क्या है सर, डेल्टा तो, डेल्टा सर एक बार हो कल का रहा डेल्टा आठ सौ कल। का है सर, सुनो हाँ 38-800 का है और हाँ मार्केट 38,100 पे खुल रही है, हाँ तो सीधा सीधा 700 पॉइंट का, तो अगर हम एक्सपायरी वाले दिन भी निकाले तो भी बन रहा है 700 रुपये का। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है सर, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई मैं अपना काम भी करता रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। आपका फेस नहीं दिख रहा है, अच्छा वो पुरानी चैट है। निफ्टी डाउन 370, यस कहाँ एनएससी साइट पे लेवल, ओके एनएससी साइट पे लेवल यहाँ पे देखिए गोपाल जी, आप इसको रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ये रहा आपका एफ एंड ओ के स्क्रिप्ट में 193 है डाउन, यहाँ पर आप प्री मार्केट में आओगे, प्री मार्केट प्री ओपन रिपोर्ट में यहाँ पर एनएससी का लेवल ये देखिए 17,188। ओके तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस होगी आज के लिए। और सबसे ज़्यादा जो डाउन है परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हैवी वेट्स डाउन है या फिर नहीं। तो हैवी वेट्स आपके देखिए हिंडालको में मेटल के लिए हैवी वेट है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक महिंद्रा एचसीएल एंड देखो सबसे नीचे कौन है, इन्फोसिस एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये तीनों क्या है आईटी के स्टॉक है, तो मतलब आईटी आपका नीचे रहेगा, लॉजिक समझ लो। ये तीनों डाउन है, इन्फोसिस हैवी वेट में आता है, एचसीएल टेक भी वैसे ही है और आपका टेक महिंद्रा भी नॉर्मल है, तो ये समझो कि अगर आईटी नीचे है, तीन चार स्टॉक डाउन है तो आपका आईटी नीचे रहेगा, ये लॉजिक समझो। अब अगर आप जाकर के सेक्टर वाइज देखना चाहते हो तो आप सेक्टोरियल भी देख सकते हो, इंडाइसिस में देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको इंडाइसिस में रेट दिखेगा जो कि रेट है, अच्छा ये 26 तारीख का रेट है, अभी ये लाइव नहीं दिख रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं प्री ओपन में, सिक्योरिटीज इन एफ एंड ओ में आ जाओ क्योंकि फ्यूचर वाले स्टॉक, और यहाँ पे सबसे ऊपर वही एक है, तो यहाँ पे समझो कि बढ़े कौन है घटे गए ना, तो आपको देखना चाहिए। और आप इनमें से दो तीन जो नॉर्मल यहाँ पे सबसे जो घटे उनको छोड़ दो, क्योंकि ये गैप डाउन गैप अप भी हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा नीचे, मतलब जैसे कि अगर मैं लूँ कॉल पाल, बजाज ऑटो, MRF, तो इनको आपको मार्केट वॉच में ऐड कर लेना चाहिए, पहला प्रोसेस ये रहेगा आपको समझो, मतलब इंट्राडे के अगले स्टॉक सिलेक्टना है। हेलो बोलो बोलो विनेश भाई। हाँ 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 तो आई थिंक बैलेंस आपका जो होगा ना वो उसमें स्टेटमेंट में चला गया होगा बाहर, मतलब उसमें ओके एक मिनट में देख लेता हूँ। आपने बाई किया उसी का बिल कटा है और NEFT का विड्रॉल रिक्वेस्ट आपने डाला था, ओके 2826 का वो विड्रॉ हुआ है, ICICI बैंक नहीं, आपका 8000 का भी एक दिखा रहा है, अच्छा वो तो 24 अगस्त का है, ओके एक 24th का है, एक 26 अगस्त का है, 2826 का आपने सेल किया है। नहीं अभी ये मेरा जस्ट परसों का ही था, फ्राइडे का ही था, मतलब 29, 28, 27, 26। ओके तो एक काम करिए, मतलब एक यही इशू है ना, और कोई लाइव ऑर्डर तो नहीं अटका है ना, ये मैं देख लेता हूँ आपके ऑर्डर, ओके तो यहाँ पे एक आपका निफ्टी का पुट है, ये तो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो एक काम करिए अभी रुक जाइए, मैं थोड़ा लाइव हूँ यूट्यूब पे, तो आपसे इसको प्रॉपर देख लेता हूँ। ओके ओके 9:13 तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने स्टॉक नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे करिए जो सब ऊपर के तीन चार हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैप डाउन है, गैप अप भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा नीचे कर लेना, जैसे कॉल पॉल, बजाज ऑटो और IPCL है, तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने मार्केट, हालांकि आप अपने प्री सिलेक्टेड स्टॉक भी रखोगे, ओके और तो आप इसमें भी कर सकते हो, तो आपका समझो कि IPCL है, कॉल पाल और आपके बजाज ऑटो, अच्छा बजाज ऑटो बढ़ा भी था, तो अगर वो गिरेगा तो थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, यहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से पैनिक सेलिंग आएगी, मतलब जो वीक हैंड्स है ना वो निकलेंगे जल्दी, तो आप उन पर ध्यान देना। और मेरे कुछ जो फेवरेट स्टॉक है, मैं डेली जिनमें इंट्राडे करता हूँ, उन सबको सिलेक्टेड रखा है, बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, मारुति है, और आपका LT है, ACC है, कोटक है, टाइटन है, बिकॉज दीज आर हाईली लिक्विड एंड यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करने में और आपके उसमें ट्रेड करने में दिक्कत नहीं आती, वो चीज़ याद रखिए।
और देखिए मैं लाइव अपने रूल्स के अगेंस्ट में आया हूँ, सेबी के ये चीज़ अगेंस्ट में है क्योंकि ओके 9:50 मार्केट ओपन। चलिए शुरू करते हैं। चार्ट्स को देखते हैं, लेवल को हमारे रिटेस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम एक मिनट का चार्ट ओपन करके देखेंगे क्या हो रहा है। पहले फर्स्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट में ही बाइंग आ गई, जैसा कि मैंने कहा था कि बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पे एल्गो ऑर्डर ट्रिगर हो चुके, उन्होंने उठा लिया है माल। ओके, अभी हम डेटा को भी देखेंगे और मैं आपको एक सीक्रेट अपना तरीका बताने वाला हूँ कि डेटा को आप कैसे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्स्ट्रा का वर्जन, पेड वर्जन नहीं लेना है, किसी सेंसिबल का पेड वर्जन नहीं लेना। हालांकि मैं इनका नाम ले रहा हूँ सिर्फ आपको एजुकेशनल के लिए, ऐसा कोई इनको प्रमोट करने का या फिर डी प्रमोट करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को क्लाइंट्स नहीं बोलता, स्टॉकियन बोलता हूँ, तो ये बात समझिए। तो वहाँ पे आपको, हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ ये किसी को मतलब डीमीन या फिर वो करने का नहीं है, आप फ्री में भी पा सकते हो वो चीज़, उसका मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा। अब ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये लो टूटेगा तो समझो यहाँ पे हम करेंगे और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हालांकि डेटा जो अपडेट होगा 9:18 पे होगा, 9:18 पे। डाउ फ्यूचर को आप देखिए कि डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखो, लाइव मार्केट में आपको डाउ फ्यूचर देखना चाहिए। डाउ फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो लो इसका था 9:57 और 31,957 और अभी चला 66, मतलब सेवन उधर से 47 मतलब 40 पकड़ लो और 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है अपने लो से। ये फर्स्ट मिनट की कैंडल है, जो लोग नए हैं वो फर्स्ट मिनट की कैंडल नहीं देखेंगे, वो 15 मिनट की देखेंगे और 5 मिनट की देखेंगे, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो देख सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम और थोड़ा जाते हैं अपने यहाँ पे। अब आपका पहला स्टेप क्या है, आपका पहला स्टेप है कि आपको नोट करना है, ये मैं अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ। ओके, इसको क्या हो गया, हेलो सर, 800 पे सेल किया, 200 पे लेके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, 3.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे हमारे एक क्लाइंट हैं, स्टूडेंट भी हैं, दीपक ठाकरा, इन्होंने 3,20,000 का प्रॉफिट बुक किया, 3,20,000 आई थिंक। जस्ट यहाँ पे फोन आ रहा है उनका। एक बार लाइव बोलो यहाँ पे सबको सर, मजा आ गया, मजा। लेकिन सर ये उसका उसका नहीं है, जो अपना नहीं, वो छोड़ो इसको अभी यहाँ पे बात करो, वो सीक्रेट है हमारा। ठीक है चलो। ओके, सो देख रहे हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है। ओके, यहाँ पे डे लो टूट चुका है, तो हो सकता है जो पहला फर्स्ट आवर के थे उनको यहाँ पे, अब हमारा फाइनल ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 150 का 160 का। ओके, अब हम इसको यहाँ पे बंद हटा देते हैं। यहाँ से अगर रिजेक्शन होता और इसका ब्रेकआउट होता तो हम समझते हैं कि ये ऊपर अब चला जाएगा, जो कि नहीं हुआ। ये पहला लॉजिक होता है। देखो आप प्राइस सेक्शन को समझो, प्राइस सेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है इसमें, अच्छा मेरी पोजीशन मुझे बनानी होगी, मैं पहले अपना तो ट्रेड कर लूँ। BLG ये तो ETF है, ओके मैं इस वाली स्क्रीन में तो चार्ट भी सेट करना पड़ेगा। मतलब कैंडल एकदम अंदर चली गई है, दिखाई भी नहीं दे रही।
अच्छा अब ओके, यहाँ पे देखिए बाइंग आ रही है, तो आप में से जितने भी ऑप्शन के सेलर हो वो यहाँ पे स्ट्रेडल बना सकते हैं। ओके अभी खास दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये 360 370 पॉइंट डाउन भी है तो आप चाहो तो स्ट्रेडल बना लो, या तो फिर उसको कन्वर्ट कर दो आयरन कॉन्डर में। ओके ये आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें अभी सेफ रहेगा आपका इंट्राडे के लिए, बट जिनके पास सफिशेंट मनी होगी वो, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी लग गए हैं तो मुझे उनको ओके 920 पे डेटा अपडेट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ओआई का चेंज किस जगह पे हुआ है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ये सॉरी देखो यहाँ पे जो शेरखान का टर्मिनल है टाइगर, ये आपको अपडेट सबसे फास्ट देता है, 3 मिनट पे अपडेट देता है, और यही चीज़ एनएससी की साइट पे मिलेगी। ओके तो यहाँ पे मैं एनएससी के ओपन एड्रेस पे यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हमने प्लानिंग क्या करी थी कि 17,500 का और 400 का ओआई देखेंगे पुट वाला, अगर नीचे खुलेगा तो। अब यहाँ पे 17,500 का पुट का अगर हम ओआई डिफरेंस देखें तो ओआई डिफरेंस ऑलमोस्ट 9,27,000, और 17,400 का 5,85,000, तो यहाँ पे और 400, 300, 300 तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है पुट में, मतलब पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब हम और इसके बाद यहाँ पे कॉल में देखें तो आपका कॉल में भी वही चीज़ है। तो अगर कोई 700 का 600 का अगर कोई कॉल बेचना चाहे तो बेच सकता है, 17,600 का कॉल यहाँ पे कोई बेच सकता है, 25 का स्टॉप लॉस लगा करके वो ट्रेड कर सकता है। बाय डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लॉजिक समझो इसके पीछे का। लॉजिक ये है कि भाई अब 600 मार्केट नहीं जाएगा, अगर इस एक्सपायरी में अगर जाएगा भी तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जैसा कि न्यूज़ की वजह से गिरा है ठीक वैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। ओके तो ये आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्स्टा में आ जाओ। अच्छा मैंने आपको वो नहीं बताया कि जो फ्री में आप कैसे देख, फ्री में देखने का यही लॉजिक है। आप क्या करो, आप सिंपली यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, 3 स्ट्राइक पकड़ लो, एक एटीएम की स्ट्राइक जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, एक उसके नीचे आईटीएम और एक उसके नीचे ओटीएम। ओके एक स्ट्राइक का दोनों कॉल पुट का डेटा आप एक एक्सेल शीट डेली मेंटेन करो, उसको यहाँ पे नोट करो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ 17,300 पे मार्केट ओपन हुआ है, तो मैं 17,300 का यहाँ पे मैं CE ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फ्री में ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे अब मैं 17,400 का CE PE एंड 17,200 का यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा और साइड में कर दो, ओके या फिर इसको मैं 17,300 कर देता हूँ। अब आपने 920 पे लिखा है तो यहाँ पे 920 लिख दो। अब यहाँ पे लिखो कि कॉल का ओआई कितना है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अब आपको आना है। ओके और जो आपका टर्मिनल होता है वो सबसे फास्ट देता है, और जैसे कि ये ट्रेड टाइगर है 3 मिनट में डेटा यहाँ पे अपडेट होते हैं, और बाकी जो आपके ऑप्स्ट्रा हैं और कोई भी आप अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो वहाँ पे 5 मिनट में अपडेट आता है, ये बात ध्यान रखिए। ओके तो यहाँ पे भी देखिए आपका ओआई डाउन यहाँ पे दिख रहा है पुट का, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ओआई डाउन है, पहले हम वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो 920 पे हालांकि ये डेटा आपके पास पिछला दिन का भी होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पिछले दिन का नोट नहीं किया है, तो पिछले दिन का क्या है उसको आप नोट करोगे, देन उसके बाद 918 पे 921 पे ऐसे आप डेटा अपडेट करोगे, वो आपको लॉजिक। तो मैं 923 पे देख रहा हूँ तो मैं इसको 923 कर देता हूँ, हालांकि आप पहले ही करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे 923 में आप क्या करो, 17,400 का आप यहाँ पे आकर के अगर चाहो तो 17,400 का यहाँ पे कॉल आपका इसमें ऐड करना पड़ेगा। सेवनटीन फोर हंड्रेड का यहाँ पे हम कॉल नोट कर लेते हैं, कॉल का ओआई है मतलब 18,16,950, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल के लिख देता हूँ। ओके पुट का ओआई भी हम देख लेते हैं, पुट का ओआई है 21,24,250,
देखो अगर आप फ्री में ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो आपको मेहनत लगेगी, और ये सिर्फ आपका दो दो तीन तीन मिनट में, पाँच मतलब इसको तुरंत 3-3 मिनट पर नहीं करना है, 10-10 मिनट पर कर सकते हो। ओके, और मैं पहले यूज़ करता था, बाकी अभी तो मैं ऑप्स्टा और ये सब यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फिर 17300 का भी देख लेते हैं, इससे आइडिया मिले कि कहाँ पर ओवाई डाउन हो रहा है। टेक्नोलॉजी देखिए, ICICI का जो ETF है ना, वो जो ICICI टेक्नोलॉजी का ETF, मतलब IT सेक्टर डाउन जा रहा है, उसकी वजह से ETF डाउन है। देखिए लो, डे लो तोड़ा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। प्राइस सेक्शन अभी भी है, मतलब बुल्स एंड बेयर्स के फाइट चल रही है, कौन जीतेगा अभी देखते हैं। तो जो इंट्राडे लो बनाए, इंट्राडे और हाई बनाए, उसको तोड़े कहीं ना कहीं, तो फिर हालांकि पहली 5 मिनट की जो कैंडल है रेड कलर का नीचे उसका वो है वीक बड़ा है, तो वो एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल बन रही है। तो देखते हैं, अब हम इसको नोट कर लेते हैं 17300 को 17300 भी ऐड करना पड़ेगा यार। एक काम करता हूँ, यहीं से मैं लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो ट्रेड बना लेता हूँ, नहीं आपको इसको नोट कर देता हूँ। देन ये सब देखो, ये 26 मिनट पे मैं कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ आपको शुरू शुरू में 15 मिनट 20 मिनट पे कर लेनी है। क्लियर, OI मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17300 का 2740-200। पुट का OI पच्चीस 37600। ओके, यहाँ पे मैंने 400 का देखा था, बट मैंने ऐड किया था। ओके, अब 17200 का ले लेते हैं, 17200 का कॉल का वही 2877-350। सत्रह 200 का पुट का वही है 39,95,100। ओके, अब चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको आपको क्या देखना है, कैसे देखना है। ओके, अब सबसे पहले तो आप एक काम करो, ऑप्स्ट्रा में आ जाओ और यहां पे देखो कि सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा, ओआई कहां पे अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग कहां पे हो रही है। यहां पे शॉर्ट कवरिंग कहां पे हुई, यहाँ पे हमने देखा कि जो पुट शॉर्ट कवरिंग हुई वो पुट के साइड में हुई। अभी भी देखिए 17300 का पुट का आपके यहाँ पे डाउन है, और 17500 का देखिए पुट यहाँ पे कितना डाउन हो गया, ऑलमोस्ट आपका अभी और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे देख रहे ना, ऑलमोस्ट 13 लाख 13 लाख यहाँ पे OI अनवाइंडिंग हो चुकी है। 17200 के पुट में अब देखिए OI बढ़ गया, मतलब क्या है कि 17200 के नीचे नहीं जाएगा। लॉजिक समझो, 17200 का जो पुट है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब 17200 नहीं जाएगा, आप बाई कर सकते हो। 17200 का आपका स्टॉप लॉस है, 238 चला है, 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ये होता है ऑप्शन चेन के साथ देख करके लॉजिक। क्लियर करो, देखो 500 का घट रहा है, 300 का घट रहा है OI, और 400 का घट रहा है, यहाँ पे 200 का नहीं घट रहा है, 200 के यहाँ पे देख रहा एडिशन हो रहा है। तो 17370 कितना है, 3,76,000। यहाँ पे आप चाहो तो 17200 का स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपका पहला स्टेप होगा अगर आप OI के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तब। क्लियर, ये लॉजिक समझिए। हालांकि देखिए मार्केट आपका ऊपर ही जा रहा है, हमने जो एक यहाँ पे देखिए पहला आपका ये बन गया, हम सी मैंने अभी मैं डेटा ही देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नीचे आ रहा है, हमारा सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट तो पता है ना, सपोर्ट के पास है, मैंने कहा था रिवर्सल मिलेगा तो बाई कर सकते हो। 1 मिनट की कैंडल पे आपका रिवर्सल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, पहली कैंडल आपकी बुलिश कैंडल बन गई, देन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एकदम लॉजिक यहाँ पे क्लियर कट समझिए। तो अगर मैं समझूँ, यहाँ पे छोटा सा कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो 27-26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसका, और 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। ये क्लियर कट लॉजिक है, आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको डेटा ये सब शुरू शुरू में प्लानिंग करके रखनी चाहिए, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ यहाँ प्लानिंग करनी चाहिए, और इसके बाद आप चाहो तो तुरंत ट्रेड एक ले सकते हो। ओके, पहला देखो पहला पॉइंट तो यही था कि भाई ये स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ 4 आवर के बेसिस पे ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा एग्जैक्ट। ओके, थोड़ा सा इधर उधर 10-20 पॉइंट का चलता है। तो ये देखिए अब पहली कैंडल क्या बन गई, आपकी बुलिश कैंडल बन गई, और पहली जो 1 मिनट की कैंडल थी वो नॉर्मल कैंडल थी, मैं कैश का लेवल आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर, और फ्यूचर का अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर के भी वही थी। ओके, और इसके बाद फ्यूचर में तो देखिए आपका डे लो के नीचे क्लोज ओके हो गया है,
ओके अब उसके बाद अगर 5 मिनट की कैंडल आप देखोगे तो 5 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पे नॉर्मल है, और फ्यूचर में अगर आप देखोगे क्योंकि फ्यूचर में वो होता है, यहाँ पे भी अलग दिख रहा है और वहाँ पे भी अलग दिख रहा है। मेरे दो इसमें जो मेरी दो वो स्क्रीन है वहाँ पे मैंने ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, मैंने किसी दूसरे ब्रोकर का चार्ट लगा रखा है, सिर्फ मैं चार्ट देखता हूँ क्योंकि 6-7 स्क्रीन दिखती है। तो वहाँ पे फ्यूचर की जो कैंडल बनी है पहली वाली कैंडल वो ग्रीन सॉरी वो रेड कैंडल है, लेकिन वो बुलिश कैंडल है। ये तो आपकी दोजी बन रही है, न्यूट्रल है। ओके पता नहीं मैं लाइव में कैसा दिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फ्यूचर का जो मनी फ्लो है वो शॉर्ट बिल्टअप हो गया है, और अभी देखिए लॉन्ग बिल्टअप हो गया। फ्यूचर का मनी फ्लो अब यहाँ पे लगभग 1,33,950 कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और 9:30 यस 10 मिनट के हिसाब से, 10 मिनट के चार्ट के हिसाब से आपका देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। तो मनी फ्लो अगर देखें तो इंट्राडे का मनी फ्लो, तो अभी यहाँ पे ओआई कल था 1,05,000 और आज ओआई है 1,09,000, मतलब ऑलमोस्ट सॉरी लाख नहीं है, 10 लाख करोड़ की है, 1,09,000 मतलब 5,50,000 ओके 5 लाख। तो यहाँ पे अब ये तो देखिए ऑलमोस्ट आपका ओ वाई एडिशन हुआ है, समझो यहाँ पे मैं एक राउंड फिगर निकाल दूँ आपको, ओके 1,09,62,350 यहाँ पे राउंड फिगर आपको मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, बट आपको अलग से वो देखना है 83,750। थ्री लैख ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये 3 लैख क्यों बता रहा, ओके 3,87,000 का यहाँ पे एडिशन हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो कि ओआई बढ़ा, तो शुरू में देखो कि शुरू में मार्केट गिरा था तो मार्केट बढ़ा कि घटा, ओके तो आपको नेट इंट्राडे का मनी फ्लो पता चलेगा। अब आप अगर देखोगे तो मार्केट नीचे ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद ऊपर आया कि नीचे आया, ओपन होने के बाद नीचे आया कि ऊपर आया, ऊपर आया ना। तो अगर मार्केट ऊपर आया है, मैं एक मिनट की कैंडल आपको दिखाता हूँ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर आया, तो अगर मार्केट ऊपर आया ओवाई आपका बढ़ गया। यहाँ पे ये चीज़ आप इंट्राडे में भी देख सकते हो, यहाँ पे अलग से आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आपका फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बता रहा है 1,11,000 पहुँच चुका है, ओके तो 1,11,00,000 अगर पहुँच चुका है तो ओवाई बढ़ा, चार्ट में आपका प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा ओवाई बढ़ा, दैट मीन्स लॉन्ग बिल्टअप, लॉजिक समझ रहे हो, तो ये आपका लॉन्ग बिल्टअप। तो आपको बुलिश ट्रेड करना है कहाँ तक, जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं और आगे अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक आपको टारगेट बुक कर लेना है। IPL ICICI टेक का दिक्कत होगी क्योंकि इसमें मैंने होल्डिंग कर काफ़ी अच्छी रखी है, ओके चलिए कोई बात नहीं। और अगर मैं नॉर्मल अपना चालू कर दूँ, चलिए नॉर्मल चालू कर देता हूँ, ओके मजडाओ डॉक यार्ड है जो नया हाई बना रहा है, हालांकि ये बुलिश था और मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में इसको आपको दिया भी था, आप लोगों को याद हो तो मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे कहीं पे शेयर किया था और आपको बोला था कि जब भी जब इसमें 60 मिनट का ब्रेकआउट मिले आप ट्रेड कर सकते हो बिंदास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका बुलिश है, मार्केट इतना डाउन है फिर भी ये बुलिश है, मजडाओ डॉक यार्ड। और आपका नेल्को में डे का हाई ब्रेकआउट हो रहा है विथ वॉल्यूम, नेल्को भी आपका बुलिश है, तो हमारा जो पहली एक मिनट की कैंडल के हिसाब से प्लानिंग थी अगर आप देखें तो वो परफेक्ट चली गई, ओके ये लॉजिक होता है कि आप मार्केट में बैठे हो तो लाइव देखो ऐसे किस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेटा 5 मिनट के भी कर देता हूँ, कंटिन्यू लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, तो जो मनी फ्लो है अभी फ्यूचर में पॉजिटिव हो गया है, ओके मनी फ्लो पॉजिटिव मीन्स की फ्यूचर में लॉन्ग पोजिशन बनाई जा रही है, ये आप समझ सकते हो। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का हाल चाल क्या है, टाटा कंज्यूमर है लूज़र, SBI लाइफ है लूज़र, एयरटेल है लूज़र, टेक महिंद्रा, ONGC, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट, ओके पोर्ट अडानी ग्रुप में पोर्ट सबसे कम गिरा है और उसका जो फंडामेंटल है थोड़ा सा बाकी से ठीक ठाक है। डॉक्टर रेड्डी ये तो गिरना ही था, आईसर मोटर, बजाज फिनसर्व, ओके
यहाँ पे अब हम ओआई का चार्ट लगा लेते हैं, मल्टी स्ट्राइक ओआई 17,300 का लगाते हैं पहले तो। आई फोर ऑप्शन वालों देख लो, तुम्हारा लाइव अपडेट होता नहीं है, मैं तुम्हें टैग करूंगा और भेजूंगा इसको मैसेज। ऊपर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। पहला टारगेट आपका यही वाला बनेगा 17,350 का, ओके। तो अभी यहाँ से 100 पॉइंट का और भी गैप है, एक यहाँ पे छोटा वाला देखेंगे वही है और आपका ओके, ये एक छोटा सा डिमांड जोन था जो रेजिस्टेंस का काम करेगा बट तोड़ देगा, तो ऊपर आपका 350 तक का रेंज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने प्लानिंग भी वही कही थी, प्री मार्केट का वीडियो याद है कि नहीं आप लोगों को, यहाँ पे हमारा बाइंग करेंगे हम रिवर्सल देख करके। तो आप देखो एक मिनट के चार्ट पे रिवर्सल मिला, हमने बाइंग करी मस्त, ओके। तो इतना बहुत है कि आप अगर इतने ये कौन है, ओके 350 एस लॉजिक लग रहा है, रिसॉल्व मोहित भाई ओके। ट्रेड लिया था किसी ने, नहीं चलेगा भैया, एक लाख 1,12,00,000 वाई आपका दिखे 1,12,00,000 हो रहा है, वाई आपका बढ़ गया। देखो वाई बढ़ने का मतलब यह है कि वॉलिटिलिटी आपकी हाई रहेगी, क्लियर, वाई बढ़ने का मतलब है कि वॉलिटिलिटी आपकी हाई रहेगी। नहीं इसको रहने दो, पंद्रह मिनट पे आपका बन गया है, इसमें उसमें अलग दिख रहा है फ्यूचर वाला, कैंडल्स का मिसमैच है, वो टर्मिनल में कैंडल अलग दिख रही है, यहां पे अलग दिख रही है, मेरे टाइगर में क्या दिक्कत, क्या दिख रहा है, ऐसा होता है लाइव मार्केट में, हो सकता है आप कैंडल्स देख करके ट्रेड करते हो तो आपका पूरा कैंडल के बेस पे ही पूरा पूरे एनालिसिस ही गलत हो जाए, यहाँ पे कुछ बन रही है वहां पे कुछ बन रही है, आप समझ सकते हो यहाँ पे दो जी बने, दैट मीन्स वो वाला जो टर्मिनल है वो गलत दिखा रहा है, ओके। दो जगह से वेरीफाई करो, हालांकि ट्रेड टाइगर कभी गलत नहीं दिखाएगा, तो ट्रेड टाइगर में भी सेम कैंडल बन रही है, ट्रेडिंग में भी सेम कैंडल बन रही है, बट वहां पे 15 मिनट की पहली कैंडल 2G बन रही है तो वो गलत है। 2G क्या है वो, आई थिंक ऊपर की है बटरफ्लाई 2G, ओके। बटरफ्लाई 2G मीन्स की सवाल ही नहीं पैदा होता, उतना ज्यादा एरर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो खैर उनका टर्मिनल है। हाँ MFSL देखिए, सुबह सुबह हमने देखा था मार्केट में बुलिश था, तो MFSL भी आपका बुलिश चल रहा है, ओके। नीचे से देखिए, इसमें पहली वीक का रिजेक्शन आ गया, और अगर इसका मैं 5 मिनट का चार्ट देखूं, देखिए पहली वीक का रिजेक्शन देखना कितना बड़ा है, तो ऐसे में अगर पहली वीक का ही रिजेक्शन बहुत बड़ा हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, उसका हाफ लेकर के स्टॉप लॉस, या फिर थोड़ा सा, या फिर आप चाहो तो उसका हाफ का स्टॉप लॉस लेकर, या फिर अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेके लेते हो 99 से 93, मतलब बहुत नॉमिनल है, तो उसका लो भी मान करके आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपका ये बुलिश ट्रेड मिलेगा। और सुबह सुबह हमने देखा था प्री मार्केट में MFSL ही था, तो थोड़ा सा 5 पैसे ऊपर था, ये लॉजिक समझिए। तो ऐसे में क्या है कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और BEL देखिए, BEL रामा फॉस्फेट, आई थिंक मैंने कॉल दिया था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था रामा फॉस्फेट के बारे में,
नहीं आई थिंक वो मिस कर दिया। हालांकि आपका बेबी ब्रेकआउट, बेबी ब्रेकआउट भेजा, बेला भेजा था मैंने, भेजा था। अभी यहाँ पे टीवी पे सब लोग बाई कॉल देने लगे हैं, तो आप लोग बाई कॉल करिए। हाँ तीन मिनट की पहली कैंडल नेगेटिव है फ्यूचर में, कैश में भी देखेंगे तो नेगेटिव है, बट एक मिनट के हिसाब से हमने ट्रेड लिया था, एक मिनट पे आपका रिवर्सल दिख रहा था। मनी फ्लो नेगेटिव हो चुका है, 1,12,000 कॉन्टैक्ट, मतलब ये सब के सब जो एडिशन हुए ना, सब बाई की तरफ एडिशन हुए, मतलब बाइंग हुई है। ओके एल्गो तो बैठे रहते हैं, वो आपकी तरह सोचते नहीं, वो तुरंत बाई कर लेते हैं। आज का ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट स्टॉक अब रुपेश भाई फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए उसमें स्कैनर जो हमने बनाया था वहां पे स्कैन करके देखिए क्या कौन कौन आ रहा है। हाँ मैंने इसलिए नहीं किया, यस सी अब मुझे एक्चुअली परमिशन ही नहीं है कि मैं लाइव आकर के दिखाऊं, बट काफी लोगों की क्वेरी थी, मैंने कहा चलो लाइव आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट भी वैसा है। अब देखो मार्केट गिरा भले, आपका भले पोजीशन डाउन रहा, मतलब अगर आपने कोई कॉल की पोजीशन होल्ड करी होगी तो आपका थोड़ा एक पैनिक सिनेरियो था, और हालांकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे पुट ही होल्ड कर रखा था, और मैंने ये बोल भी रखा था कि आप थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लो या फिर आप निकल जाओ। ओके तो क्या होता है कि गाइडेंस भी प्रॉपर मिलनी चाहिए आपको मार्केट में। मैंने बोला था जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया है, कुछ दिनों में लिया है, तो अगर वो उनका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो आप उनको निकल जाओ, मार्केट आपको और भी ज़्यादा टाइम देगा, अच्छे तरीके से लेवल देगा, आप वहाँ पे बाई करना। और देखिए मार्केट वहाँ से कितना डाउन है, तो लॉजिक ये है कि आपको सही तरीके से ट्रेड करना चाहिए। प्लस जो लोग लॉन्ग में बैठे होंगे, थोड़ा माइक के पास आ, जो लोग लॉन्ग में बैठे होंगे तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन जो पुट लेके बैठे होंगे उनको अच्छी बात, उनको पैसा मिला होगा। चलो आपने कुछ नहीं किया था तो यहाँ पे सुबह सुबह भी हमने क्या किया, बाई साइड का पोजीशन बनाया, तो वहाँ पे भी देखो आपका ट्रेड सही मिल गया। तो ये लॉजिक है कि आपको प्रॉपर रहेगा, और मैं इसीलिए अपने क्लाइंट्स के वो भी नहीं देख रहा हूँ, खास कोई दिक्कत नहीं, मैंने सबका बोल रखा है। शेरवा आईपीओ जो लिस्ट हुआ था उसको देखिए, काफ़ी अच्छा चल रहा है और आज भी लगभग ऊपर है। अगर इसमें बाइंग हो रही है तो आप लोग इसको इंट्राडे में बाई कर सकते हो। ओके स्टॉप लॉस आपका होगा 315, 315 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो। अच्छा डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स चार्ट या फिर कुछ भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो लॉजिक इसके पीछे का क्या है, खुलते ही ये इसमें बाइंग हुई, पूरा का पूरा पॉजिटिव मोमेंटम था। अगर आप इसका डिलीवरी डेटा देखेंगे तो मैं स्टॉकेज प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, आप स्टॉकेज भी यूज़ करिए, मैं अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ट्विटर पर मुझे अपडेट देनी पड़ेगी कुछ मेरे पुराने कॉल्स की, तो SYRMA। यहाँ पे आप अगर आकर के देखोगे तो 33% की डिलीवरी, हालांकि इतनी डिलीवरी बहुत सी, आईपीओ का पहला दिन था तो लोगों ने जिन्होंने बाइंग करा था बेच दिया था। ये जो 33% की बाइंग हुई उसमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जरूर घुसा है। ओके ये समझो लॉजिक, क्योंकि आईपीओ के दिन रिटेल ट्रेडर तो कभी बाई नहीं करते, रिटेल ट्रेडर बेचते हैं। ओके ओके तो रिटेल ट्रेडर सिर्फ बेचते हैं, तो यहाँ पे अगर बाइंग हुई है तो आप इसको प्ले कर सकते हो, इंट्राडे के बेसिस पे भी कर सकते हो। यहाँ पे पहली कैंडल आपकी ग्रीन मिली, जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो। ओके प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, क्लोज हुआ, बाई करो, तो ओपनिंग इसकी आपकी, मतलब आपका एंट्री कहाँ पर होगा ये कन्फर्मेशन देगा, भाई प्रीवियस डे का हाई तोड़ चुका है, कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, मतलब प्रीवियस डे ब्रेकआउट हो चुका है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे आप पहली कैंडल में बाई कर सकते हो, 321 342 का हाई है, तो ये 20 पॉइंट इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हालांकि आपका ट्रेड निकल चुका है, जिन्होंने बाई करके एग्जिट कर लिया होगा, अभी जो लोग घुसेंगे तो उनका रिस्क बड़ा होगा, एसएल बड़ा होगा, वो सब पॉइंट है।
प्रीमियर एक्सप्लोजिव, ओके। थर्मेक्स भी आपका बुलिश है, थर्मेक्स भी हमने डिस्कस किया था, मतलब जो मैं आपको वीकली एनालिसिस में स्टॉक्स देता हूँ वो सब के सब बुलिश हैं। ओके, अभी मैं अपने ट्विटर्स के थोड़े जवाब दे देता हूँ पुराने वाले कॉल में। नहीं समझ में आ रहा है वो मैंने भेजा डाला कहाँ पे था। रामा फॉस्फेट मैंने प्रॉपर डिस्कस किया था और बाई करने का भी प्लान किया था, क्योंकि फॉस्फेट में क्या है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स डाउन है और रामा फॉस्फेट जो है कि डीएपी ओपी ऐसा बनाता है। अब आओ कर लाइव चले से तो रामा, अपने रामा फास्ट में डिस्कस कर लो। हूँ क्या कैसे मुके लगे ट्विटर के ना ट्विटर पर नहीं दिखा था खबर नहीं। ये हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, हमने बोला था कि बाई कॉल दूंगा या फिर कहीं पे पोस्ट करूंगा, पता नहीं माइंड से निकल गया वो कहाँ चला गया, कहीं दिखाई ना, ना ट्विटर दिखा देना, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे भी देख लेता हूँ। अच्छा ओके, मैंने अपने वहाँ पे डाला था आई थिंक, जो स्टॉकेज क्लब है देख लेते हैं, मैंने कहीं ना कहीं तो पोस्ट किया था मुझे याद आ रहा है, या फिर हमने डिस्कस किया था, मैं वो माइंड से निकल गया होगा और कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। मैं एक तो टाइटन का ऑप्शन ट्रेड दिया था उसको देख अपडेट देनी पड़ेगी, एक्सेल इंडस्ट्रीज बाई कॉल वहाँ पे था, एक्सेल भी था, एस्टल शॉर्ट था, इन्फोएज था, एशियन पेंट था, कैपलिन पॉइंट, ओके। देखिए माइंड से निकल गया वो कहाँ पे मैंने दिया था, नहीं आइडिया है ना, आपको नहीं था खबर नहीं आगे वो कोई नहीं। ये देखिए आपका ऑलमोस्ट नीचे से कितना 100 आई थिंक, अगर हम देखें हमारा जो रिवर्सल मिला था यहाँ पे, आपका रिवर्सल मिला था ओपनिंग आपकी लगभग 188-190 से होती और 280 चला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपका ऊपर आ चुका है मार्केट। तो पैनिक में सी आपको माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए और वहाँ पे सही तरीके से मतलब अपना कुछ प्लान बनाना चाहिए। इनका सुनना पड़ेगा क्या है, गुड मॉर्निंग सर, ये 16-26 तारीख का मेरा क्या बता रहा है, ये बैंक में क्रेडिट हुआ है ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। 16,000 लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यू, पहला वाला था शॉर्ट बिल्टअप का, उसके बाद वो लोग निकल गए, देन आपका देखिए कंटिन्यू लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे चेंज इन हुआ है आपका, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग हो रही है। और यहाँ पे टोटल वाई देखेंगे अगर तो 1,01,05,00,000 था और अभी 1,13,00,000 हो चुका है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 8.13, तो 8-1 करोड़ की हो चुकी है। और आप लोग अगर भसेंस आपको फॉलो करते हैं तो आ चुके हैं लाइव ICICI का शेर खान का अकाउंट है ना, उसकी वजह से वहां से हुआ है। अभी इनका अकाउंट तो मेरे पास भी नहीं है।
आज क्रिएट होगा आज। सत्रह 200 का एक बार फिर से हम उसको नोट कर लेते हैं। ओके सी, हालांकि यहाँ पे आपको ये तीन तीन पाँच पाँच मिनट के अपडेट बेसिस पे करना होगा अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो, और फ्री में अगर यूज़ कर रहे हो तो। ओके और अगर आप उसको नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसको पाँच पाँच मिनट पे कम से कम दस मिनट पे अपडेट करिए। मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। 17200 का पुट देखिए, अभी पुट का वाई कितना बढ़ गया, तो ये लॉजिक है कि पुट का वाई बढ़ गया, मैं दैट मीन्स वहाँ पे उसके नीचे नहीं जाएगा, वो सपोर्ट ले लेगा। क्लियर? और वहाँ से देखिए आपका मार्केट काफ़ी ऊपर है। अभी हम इसको चलिए एक बार फिर से अपडेट, मतलब इस तरीके से आपको अपडेट करना है। अगर मैं अब यहाँ पे 951 पे अपडेट कर रहा हूँ तो 951 लिखूंगा, और यहाँ पे 17200 का कॉल का वाई आपका 8 कर लो। आपको स्ट्राइक सब ऐड करके रखनी पड़ेगी पहले ही। सत्रह 200 के कॉल का वाई जो है 30, 20, 0, 50, कॉल में थोड़ा सा एडिशन हुआ है, और पुट का वाई है 56, 41, 800। पुट में ज़्यादा एडिशन हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉल की तरफ एडिशन हुआ है, जो भी हुआ है आपका मैं यहाँ पे बताता हूँ। कॉल की तरफ 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, नहीं ज़्यादा हुए हैं 16 लाख। तो यहाँ पे पुट में सबसे ज़्यादा वाई ऐड हुआ है, ये समझिए आप। ओके इसको आप ऐसे लॉजिक लगाएंगे, पुट का वाई ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट ले लेगा उस जगह पे। और चलिए और एड कर लेते हैं 17300 का क्या है, 17300 के पुट पे, ताकि ऊपर देखें रेजिस्टेंस मिल सकता है नहीं मिल सकता, ये भी लॉजिक देते हैं। तो 17300 का पुट का ओआई आपका है 400-8300, 400 नहीं पुट का है ना आपका, कि 17300 के पुट में 400-8300। कॉल में है 446-86-150। सत्रह 400 के कॉल में है 17,031,30,050। पुट में है 22,85,350। अब यहाँ पे देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किस स्ट्राइक प्राइस पे आपका ओआई एडिशन किस जगह पे हुआ है, अगर कॉल में पुट हुए ये सब समझेगा तो आपको क्या मिलेगा, सपोर्ट तो पता चल गया 17200 का, अब आपको मिलेगा ऊपर रेजिस्टेंस। क्लियर? लॉजिक इसको समझो। और अगर और ऊपर गया ओआई और ऊपर घटने लगा तो हम पहले देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कॉल में पुट में 17200 के पुट में सबसे ज़्यादा एडिशन हुआ है, और यहाँ पे देखिए कॉल में भी ऑलमोस्ट एडिशन हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ओके तो यहाँ पे 10,000,000 10,00,000 यहाँ पे 19 लाख
17,300 के कॉल में 19 लाख का एडिशन है और यहाँ पे 14 लाख का एडिशन है। दैट मीन्स कि 17,300 आपका वहाँ पे कॉल में एडिशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले सकता है। ओके 360 अभी, हालांकि यहाँ पे स्ट्रेडल बना होगा, मेरे हिसाब से स्ट्रेडल बना होगा क्योंकि उतनी ज़्यादा यहाँ पे लग नहीं रही है। 17,300 के कॉल में वाई एडिशन हुआ है। ओके देखते हैं इसको क्या अभी बोला है और ऊपर से फिर चलते हैं नेक्स्ट में। और अभी 400 के अगर हम कॉल में देखें तो 400 के कॉल में 13,13,000 है और यहाँ पे मैंने गलत नंबर तो नहीं लिख लिया है, 17,400 के कॉल में तो ज़्यादा होना चाहिए, 17,400 के कॉल में 31,30,30,050, 400 के कॉल में 31,30,050, यस सत्रह 400 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम है, ये मुझे हजम नहीं हो रही बात। ओके पुट में तो ठीक है, थोड़ा सा एडिशन हुआ है, 17,400 के पुट में भी एडिशन हुआ है और यहाँ पे इतना कम हुआ ही मुझे हजम नहीं हो रही बात। 17,400 के कॉल में तो हाई होना चाहिए, दैट मीन्स अभी मार्केट आपका कितना डाउन है। ओके चलो इसको ये देखो, ये मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इसको जस्ट अगर मैं लाइव आया तो आपको कुछ अपने तरीके से इनपुट दे रहा हूँ। ये आपको 3-3 मिनट के बेसिस पर अपडेट करना है। अब 3 मिनट में वाई कहाँ पे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ NSE की साइट पे मिलेगा 3 मिनट में। तो आप चाहो वहाँ पे ऑप्शन चैन पे जा करके NSEIndia.com पे, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। शुरू के 10-15 मिनट आप मेहनत कर लो, फिर आगे आपका एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके प्लस उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो आप यहाँ पे मार्केट डेटा में आ जाओगे, डेरिवेटिव्स मार्केट में आ जाओ और यहाँ पे निफ्टी के ऊपर क्लिक कर दो। जो लोग नए उनको नहीं पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन चैन में आ जाओ, एक्सपायरी आपकी 1 सितंबर है और नीचे आ जाओ। यहाँ पे जो लास्ट में देखे, सबसे लास्ट में होता है ना राइट लाइट में और लेफ्ट में आपका वो ओआई होता है और ये जो ओआई होता है आपका वॉल्यूम होता है। तो अगर यहाँ पे आपका 20,400 है तो इसको 20,400 मल्टीप्लाइड बाई 50 तब आपका एक्चुअल दिखेगा, जो आपको बाकी टर्मिनल में दिखता है या फिर वहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन दिखता है। ओके तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको ऐड करते जाओ, हालांकि इस नंबर में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी को नोट करो, इसी में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ओआई चेंज आपका, देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आप नोट करोगे तो 3 मिनट में यहाँ पे अपडेट मिलता है। और जो लोग टाइगर के कस्टमर है वहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट का सेक्शन ऐड कर लो, मैंने बताया हुआ है, मेरे उसमें पड़ा हुआ है पूरा। रामा भास्कर भागी हो। ओके तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कम हो रहा है डाउन हो रहा है, उसको आप एक्सेल शीट में ऐड कर लो। यहाँ पे आप नोट करो, सी एक्सेल में करने की जरूरत नहीं है। तो आप, मैं तो नोटबुक में करता था। ओके मैं नोटबुक बनी रहती तो उसमें करता था, बट आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर नोटबुक में करोगे तो आपका फास्ट हो जाएगा, आपको एक्सेल में फॉर्मूला वर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फास्ट में लिख सकते हो। इससे आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिलेगी क्या हो रहा है, या फिर आप अगर कैंडल बहुत अच्छे से देख सकते हो, कैंडल यहाँ पे जैसे कि ये बना सपोर्ट था, प्राइस सेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि डेटा फिर भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझो कि सपोर्ट था, ओके जो हमारी प्लानिंग थी प्री मार्केट वाली वीडियो के हिसाब से, और इसके बाद फिर नीचे गया, यहाँ पे आपका रिवर्सल बना, एक आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऊपर गया, फिर यहाँ से आप बाई कर सकते थे, क्लियर कट ये था, आपका एसएल नीचे वाला रख लेते, क्लियर। चलिए इसको मैं भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट एक लॉजिक बताया कि आपको अगर पैड नहीं इस्तेमाल करना है, महंगे महंगे होते हैं वो सब, अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आपको, हालांकि देखो आपको ये सब चीज़ें ले लेनी चाहिए, इससे क्या होगा आपका एफिशिएंसी बढ़ती है, आपको वो करने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ पे आपको लॉजिक पता चल जाएगा ये चीज़। बट फिर भी आप अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको ये इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चैन आप देख सकते हो लाइव, ये सबसे फास्ट अपडेट होता है 3 मिनट पे, और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही करते हैं, वो लोग बाकी वेंडर्स का नहीं लेते, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये 5-5 मिनट पे अपडेट होता है, आप उसको क्या कर लोगे, क्लियर। तो चलिए इसको अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, मैं चैट्स भी नहीं देख कर पा रहा हूँ सर, BSE लिमिटेड। ओके चलिए अभी मैं थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स के व्यू देख लेता हूँ या फिर जो हैं उनके जवाब देता हूँ। डाउ फ्यूचर, अच्छा देखो डाउ फ्यूचर का भी लॉजिक मैंने बताया था ना आपका, कि देखो आपका वहाँ से अभी देखो 97 का आपका ये है, 3197 का आपका लो है और ये 93 चला है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो ऊपर इधर से ही आ गया, और उधर का समझो कि 43 आपका उधर से डाउन वाला, तो 43 प्लस 90 90 प्लस 40 130 ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स
ये ऊपर जा चुका है डाउ फ्यूचर, तो वो आपके मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो आप लाइव मार्केट में डाउ फ्यूचर को भी देखो कि डाउ फ्यूचर ने लो क्या बनाया है, डाउ फ्यूचर ने हाई क्या बनाया, हाई से डाउन हो रहा है कि नहीं या फिर लो से ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो इससे आपको क्या होगा, इस मार्केट को जज करने में आपको हेल्प मिलेगी अपने इंडियन मार्केट को। तो डाउ फ्यूचर भी आपको यहाँ पे देखते रहना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो लोग ये फ्री में ऑब्स्टा का फ्री यूज़ करता हूँ, इनका मैं पेड यूज़ करता हूँ, आप लोग इनका मत लो क्योंकि ये ऑब्स्टा वाला ठीक रहेगा आपके लिए, आप नए हो तो। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे पुट में 17400 में पुट का लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, सॉरी शॉर्ट कवरिंग हुई, पुट में वाई गिर गया। मैंने क्या बोला था कि अगर 17400 का वाई गिरे तो वहाँ पे नीचे जा सकता है, लेकिन आपको फिर और नीचे का देखना है, 300 वाला, 200 वाला। और 300 पे देखोगे तो पुट में एडिशन हुआ है, 300 के पुट में एडिशन हुआ, 200 के पुट में तो ज़बरदस्त एडिशन हुआ जहाँ से मार्केट घूम गया। ओके, ये सब लॉजिक आप समझिए। और यहाँ पे अभी कॉल में अगर देखें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 17500 पे है, तो अगर ऊपर जाएगा तो हमें इसको देखना है ये और बढ़ता है कि नहीं, अगर और बढ़ेगा तो समझो रेजिस्टेंस ले लेगा, लेकिन अगर गिरेगा तो समझो कि ये फिर शाम को डेटा क्लियर होगा। और एक्सपायरी के लिए आज तक डेटा बन जाएगा, फ्राइडे को पूरा डेटा कंप्लीट नहीं था, मैंने जैसे बताया था FISDIS का, तो FIN प्रॉप डेस्टेड का जो फ्राइडे था वहाँ पर डेटा कंप्लीट नहीं था, आज शाम तक पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, तो हमारा एक्सपायरी का व्यू क्लियर हो जाएगा कि एक्सपायरी किस जगह पर हो सकती है। डाउ फ्यूचर आपका सपोर्ट कर रहा है, ऊपर आ रहा है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ना, ये रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्विटर आईडी है, इसमें आपको सबसे फास्ट न्यूज मिलेगी, आप लोग इसको फॉलो करो। मैं चार पांच चीजें ही फॉलो करता हूं, अगर आप मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊं, देखिए मैं पांच लोगों को फॉलो करता हूँ, जिनमें से ये दो न्यूज़ चैनल हैं, ये आपका ट्विटर हैंडल है, ये भी ट्विटर हैंडल है, और ये हमारे द ग्रेट रतन टाटा जी। तो आप इसको फॉलो करिए, इसमें क्या होगा आपको फास्ट न्यूज़ मिलेगी, इनके जो ट्वीट्स होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, लगभग ठीक ही होता है, हालांकि क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होती बट ठीक ही है। ओके, शिपिंग कॉरप्शन बेस्टिंग टाई इंडेक्स, ये उनका कुछ है पर्टिकुलर, मतलब मार्केट को लेकर के या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट को लेकर के कोई न्यूज़ है इनका नहीं, वो देखते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे फास्ट ये लोग अपडेट कर देते हैं। तो रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ट्विटर आईडी यहाँ पे आप देखें। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने इनके जॉब देने। तो सबसे पहला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का ब्रेकआउट स्टॉक वो आप स्कैन कर लीजिए, BSE का व्यू। चलिए, BSE डाउन ही है। ओके, आपका डाउन ही है BSE, और अगर ये लो तोड़ देगी, आज का लो मतलब अगर तोड़ देगी तो आपने अगर पोजिशन लिया होगा तो एग्जिट कर जाइएगा, और पोजिशनली भी मुझे डाउन लग रहा है। आपको अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रखिए, ओके, और बेटर ये होगा कि आपको, हालांकि यहाँ पे अगर एंट्री करोगे, आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो गया था, फिर उसके बाद कोई एंट्री बनी नहीं। ओके, तो पहली चीज़ तो आपको यहीं पे अगर आपने बाई किया होगा तो SL हो गया, आपका निकल जाना चाहिए था उसके बाद, क्योंकि आपको यहाँ पे अगेन बाई का मिलता। मार्केट में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, अगर SL हो रहा है तो निकल जाओ। पहली बात तो आप प्रॉपर सेटअप के बेस पे ट्रेड करोगे तभी, अदरवाइज कहीं भी ट्रेड लोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर सेटअप के बेस पे आपने अगर ट्रेड लिया हो तो यहाँ पे आपका SL हिट हो गया होगा, जो कि 6676 का था, आप उसमें से निकल जाते क्योंकि आपको अगेन बाई करने का मौका मिलेगा। अभी इसका ट्रेंड देखेंगे तो लोअर लो बन रहा है और लोअर हाइज बन रहे, तो ये अभी थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे, ये सब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हैं तो इनमें ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के, ट्रेडिंग के बेस पे ही करिए। आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। ओके, तो लास्ट आपकी उम्मीद यही है, अगर यहाँ से नीचे जाए तो आप फिर निकल जाइएगा। हालांकि स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला, अगर आपने लॉन्ग टर्म का लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए होगा तो ट्रेडिंग का आपका समझिए कि लॉस हो रहा है, उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। और HUL कोलगेट, ओके, HUL एंड कोलगेट, हमने कोलगेट तो हमारे उसमें आया था, देख लेते हैं क्या था। पहली बात तो ऐसे माहौल में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप एकदम फ्रेशर हो। कोलगेट देखिए सुबह मतलब नीचे गैप डाउन हुआ, कंटिन्यू इसका ऊपर आ गया, तो कोलगेट में आपका अभी यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। ओके, ट्रेड यहाँ पे बनने का जैसा नहीं है, आप अगर स्विंग जाना चाहते हो तो
स्विंग में भी कोई ट्रेड नहीं बना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है आपका, ओके, इसके ऊपर आपकी आवरली कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप ट्रेड कर सकते हो, क्लियर, ये आपका ट्रेड बनेगा, स्विंग में आप जा सकते हो। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा बुलिश है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, और अगर आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, ये ट्रेंड लाइन आप दिखे डेली वाला, तो देन आप थोड़ा पोजिशनल भी जा सकते हो, अदरवाइज तो नहीं। ट्रेडिंग नहीं, रसिया वॉर से पहले लिया था। अच्छा ओके, नहीं वॉर से पहले लिया था तो फिर तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू होगा ना, तो फिर आपका आप लेवल मुझे बताइए कहाँ पे लिया था आपने। मार्केट हमारे बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 350 का हमने वहाँ पे देखा था कि 350 का रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जा सकते हैं, क्लियर। अच्छा सिंगल लाइन है प्लीज, सिलाई वाली शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए शॉर्ट कवरिंग हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। रामा हॉस्पिटल यार खरे कर अपने माही माथे निकली को कैसे पोस्टर नहीं करी हूँ तो जरा पोजीशन जो लेने बता नहीं। ના મારું લોગઆઉટ તા એમ જ જોઈ જે બધા હોય કોઈ બોલો મારામાં તો ખાલી મારું દેખાય તારા થોડી દેખ ના તો અહીંયા લોગઆઉટ થઈ જશે ને હા એક કામ કર ચાલુ કરી લે હું મારા અહીંયા લોગઆઉટ કરું છું લોગઆઉટ કર आई थिंक अभी यहाँ पे देखिए स्विंग लो टूट चुका है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके आपका ट्रेलिंग में जो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था यहाँ पे देखिए स्विंग लो का ये टूट चुका है तो आप इसको बाई कर लो, इसके नीचे आने तो थोड़ा बाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे हमने यहीं पे कहीं पे प्लान किया था बाइंग करने का लगभग ये सफिशेंट है, आप इंट्राडे में इतना अगर प्ले कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई खास चीज़ में दिक्कत नहीं है, क्लियर। ના સપ્ટેમ્બર હા ટીટીએમ બી એ વન અને સપ્ટેમ્બર વાળો ત્રણ જ છે ખાલી ત્રણ જ આગળ આગળ ટ્રેડિંગ નહીં રશિયા વોર ઓકે ઓકે તો યે સબ તો આપ આપ તો સ્ટુડન્ટ હો ના પૂછ સકતે હો લાઈવ મતલબ ફોન કરકે હા આપ લોગો કે અગર કોઈ ડાઉટ હો કોઈ ક્વેરી હો તો આપ લોગ વો પૂછ સકતે હો કહીં આપકો કોઈ સમજ મે નહીં આ રહા હો કુછ કિસી લોજિક મે પ્રોબ્લેમ હૈ તો વો અભી આપ દેખ સકતે હો અભી મેં એક ઘંટે હું ઓકે कौन है भाई जो कौन है जो मोटर लॉस कौन थे ब्लू
ऊपर लॉस है, नीचे प्रॉफिट। कहाँ से कौन से नाम तरह बोलो कस्टमर नेम ये कस्टमर नेम तारे सेलेक्ट करूँ पड़े पहला राइट क्लिक करना होगा पहले बोलो कौन कस्टमर आईडी कस्टमर वन ऊपर ऊपर हाँ राइट क्लिक कर राइट अभी शो कॉलम चूजर हाँ कस्टमर नेम ने ऊपर खींचे नीचे से डॉलर 80 का पार हो चुका है, क्या बात है। ये देखिए थोड़ा सा थोड़ी सी रिलीफ है बट खास नहीं फर्क। अच्छा ये तो एक मिनट का है। ओम प्रकाश जितेंद्र कई क्वेश्चन है लॉन्ग लिक्विडेट हो रहा है तो आप लोग निकल जाइए, बहुत हो गया इतना इतना तो बहुत हो गया। हमारा जो लेवल था प्री मार्केट वाला वो नहीं तोड़ सका और वहीं पे मार्केट देखिए आपको काफी अच्छी मूवमेंट मिली होगी और आपने आई होप कि अच्छा ट्रेड किया होगा। आप यहां पे भी बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट, इंट्राडे का बहुत हो गया। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखिए, बैंक निफ्टी का भी जो हमारा प्लान था वही एग्जैक्ट काम कर रहा है। ओके बैंक निफ्टी का मैंने आपको यही लेवल दिया था और वहीं से देखिए एग्जैक्ट घूम गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो और डरना नहीं चाहिए। सी डरोगे तो फिर कोई मतलब है नहीं, क्लियर। पहली कैंडल आपकी देखिए 3 मिनट में बेरिश कैंडल बन गए, 3 मिनट का चार्ट आई थिंक इंट्राडे ट्रेड के लिए सही नहीं था, 5 मिनट की कैंडल तो ये देखिए बुलिश कैंडल बनी नीचे की तरफ। सी इसमें देखो लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ये है कि आपकी सपोर्ट के पास, पहली चीज तो सपोर्ट के पास कौन सा सपोर्ट, 4 घंटे वाला, तो सपोर्ट के पास एक आपका नीचे का वीक का रिजेक्शन है, दैट मीन्स वो बुलिश कैंडल है, भले उसका साइज हो खा पी करके मोटी हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वहां पे लॉजिक है कि यहां पे एल्गो ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे तुरंत बाई करने वाले। सेल वाले किसके यहां पे इसके नीचे, अगर इसके ऊपर इसके नीचे जाता तो सेल के ऑर्डर ट्रिगर हो जाते तो फिर मार्केट को संभालना मुश्किल था, बट इसके ऊपर खुला तो तुरंत वहीं पे एल्गो ऑर्डर ट्रिगर होंगे और धड़ाधड़ वो बाइंग हो जाएगी। आपको सोचने में टाइम लगेगा बट एल्गोस रुकेंगे नहीं, तुरंत बाई कर लेंगे और इसके चक्कर में एल्गो को मत ले लेना, उन सब के लिए काफ़ी सिस्टम होता है। हाँ ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हो कि किस जगह पे एल्गो ऑर्डर लगे होंगे, कहाँ पे नहीं लगे होंगे, मैं कैसे समझ जाता हूँ कि यहाँ पे लगे होंगे, ओके, तो वो सब के लिए आप अगर चाहो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से चालू हो रही है, मतलब 5th of September, तो उसमें आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि ये सब कैसे आपको समझ में आएगा, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कहाँ से अनवाइंडिंग हो सकती है, कहाँ से एल्गो ऑर्डर ट्रिगर होंगे, तो वो सब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग नहीं सर, ओके। पी का वाई बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रहा है, ये स्पोर्ट का वाई बढ़ रहा है, दैट मीन्स लॉजिक क्या है कि जो लोग ऊपर बेचे हैं ना तो वो लोग FIS क्या करते हैं, FIS थोड़ी बहुत ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, बाकी तो ये जो OI आपका डाउन दिखता है रिटेल ट्रेड का दिखता है, मतलब जो OI अनवाइंडिंग होते हैं रिटेल ट्रेड करते हैं। FIS और DIS क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो लोग वहां पे जा करके वो अलग से पोजीशन बनाने लगते हैं, थोड़ी बहुत वहां पे अगर एग्जिट करना है उनको लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। हालांकि मैंने पुराने वाले डेटा में आपको प्री मार्केट में बोला था कि पुट का जो OI है उसमें बड़े लोगों ने बाई भी किया है, तो आपको वहां पे वो नहीं समझना कि सिर्फ सेलिंग बैठी है,
तो पुट के वाई में बायर भी थे, तो जो नीचे गया तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, समझ रहे हो ना, तो अच्छा खासा नीचे गैप डाउन में प्रॉफिट हुआ होगा, तो उन्होंने वहां पे प्रॉफिट ले लिया, इसलिए आपको जो वाई का अनवाइंडिंग दिख रहा है वो आपको थोड़ा अनवाइंडिंग भी ज़्यादा दिखेगा 17300 के पुट में। बट यहाँ पे देख रहे हो कि अगर फिर से बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बन रही है और आपका बुलिश का सिस्टम है। और अगर फ्यूचर का मनी फ्लो देखें तो आपका ये लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप, दैट मीन्स आपका पॉजिटिव डेटा बन रहा है, ये समझिए। चलिए अब हम लॉग आउट कर देते हैं, अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। लॉग आउट करूं? हाँ करूं। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो, स्टॉक्स पूछ सकते हो, वो सब आपको जवाब मिलेगा। चलिए तो हवे तो लीव हैंस लॉगिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे। ओके ओके कोई बात नहीं। रामा स्टील, लोकेश मशीन, जरी हो चुका नहीं यार, आप हीट था ही लगे 24 कर दे। ओके चलिए अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा ये है ना, ये आप देखिए इसको लाइव जो डायनेमिक वन क्लिक फिल्टर है, काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे जो शेरखान के क्लाइंट है वो लोग बोलते हैं कि सर जी इसको मुझे बताओ थोड़ा, तो ये मैं आपका बताता हूँ वन क्लिक फिल्टर को आप कैसे बना सकते हो। ओके आप लोग अभी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे डाउट होंगे वो सब आप पूछ सकते हो। स्टॉक्स अगर ले रखा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी वो आप देख सकते हो, हालांकि अभी भी डेटा स्ट्रांग है और यहाँ पे और ज़्यादा जाना चाहिए, बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका ट्रेड हो चुका है सही तरीके से। थोड़ा सा ऊपर से देखिए आपका थोड़ा सा डाउन हुआ है, हमने देखा तो 93 पे था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, तो 30 पॉइंट का ये है, तो थोड़ा सा आई थिंक वो पुल बैक है। ओके ये देखिए वन क्लिक फिल्टर को कैसे आपको करना है, जो ट्रेड टाइगर के कस्टमर उनको ध्यान देंगे। यहां पे टूल में आ जाना है, डायनेमिक वन क्लिक फिल्टर पे आ जाना है और यहां पे एक न्यू पे क्लिक करना है। क्लियर? अब जब न्यू पे क्लिक कर दोगे तो यहां पे आप लेफ्ट साइड में आ जाओ इसको लेकर के, और यहां पे आप इसको थोड़ा ऐसे कर दो। अब यहां पे आप अपनी कंडीशन लगा सकते हो, मतलब एट द हाई ऑफ द डे, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो सिर्फ ऊपर चल रहे हैं हाई पे चल रहे हैं वो आपको दिखेंगे। ओके मैं एक बार इसको कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल एंड ओके ओके एंड फिर सेव एंड रन, तो इसका मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ। हेलो एक मिनट, आप बैलेंस की वजह से आ रहे रिजेक्टेड। हाँ नहीं नहीं उससे नहीं होगा।
हाँ वो तो मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ शाम को, या फिर ये अभी बंद हो, लाइव लाइव बंद होता है तो मैं कर देता हूँ आपको। यस हाँ, अगर आपको आज करना है तो कर डालना पड़ेगा। ये देखिए आपका जो अब ये क्या बताएगा, ये आपका हाई ऑफ द डे हमने सेलेक्ट किया था, तो जितने भी स्टॉक हाई चल रहे हैं वो बताएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे आप पहली बात तो यहाँ पे आप 500 अगर कर दोगे तो ₹500 के ऊपर वाले जितने स्टॉक हैं वही आएंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो NSE और BSE कहाँ से आपको देखना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सिर्फ NSE कर दो तो सिर्फ NSE के अंदर से देखेंगे। तो ये देखिए जो ये मुथूट फाइनेंस है और आपका सुमित केमिकल पारस डिफेंस है, ये सब आपके इंडोरेंस टेक्नोलॉजी और डाटा पैटर्न्स पारस पारस एलजी ब्रोस लिमिटेड, एलजी ब्रोस का मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था, ये सब ऊपर चल रहे हैं हाई ऑफ द डे, मतलब ये आज इंट्रा डे में हाई पे चल रहे हैं। आप इनका चार्ट अगर देखोगे तो ये देखिए इंट्रा डे में हाई पे चल रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर इंट्रा डे पे हाई पे चल रहे हैं। ओके तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे और जाओ अपनी कंडीशन तो एट द लो ऑफ द डे, यहाँ पे भी मैं फिर से अप्लाई टू ऑल करता हूँ एंड सेव एंड रन कर देता हूँ। लो ऑफ द डे नहीं है कोई, आई थिंक NSE में कोई लो नहीं चल रहा है, BSE में देख लेते हैं, BSE में भी नहीं लो है। PI मतलब ऑलमोस्ट बाइंग ही हो रही है। ओके ऑलमोस्ट बाइंग ही हो रही है, मुझे आइडिया आ रहा है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये पैटर्न ये सिलेक्ट कर सकते हो इंडाइसिस, मतलब आपको सिर्फ निफ्टी का देखना है तो सिर्फ निफ्टी के देखेंगे। निफ्टी में अडानी पोर्ट, सिप्ला, MNM यही स्टॉक हैं जो हाई पे चल रहे हैं। सिप्ला का बुलिश भी है, आप लोगों ने चार्ट भी देखा होगा, सिप्ला का गैप डाउन खोला फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, और अडानी पोर्ट्स ये सब मतलब नीचे से बाइंग हो रही है, बॉटम फिशिंग होते हैं इसके उसको बोलते हैं। ओके अब इसमें दूसरी कंडीशन, जैसे आपको लेट से और कोई कंडीशन लगानी है तो मैं एक काम करता हूँ फिर से इसको हटा देता हूँ और आपको पूरी कंडीशन लगा के बताता हूँ, ताकि इसको रिमूव करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर उड़ाना है तो टेस्ट पे रिमूव, फिर टेस्ट पे आप जाओगे इसको हटा दो, मतलब जो उसका नाम दिया था, फिर यहाँ पे टूल में आ जाओ, न्यू नया कर लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कुछ कंडीशन लगा देता हूँ अच्छी वाली, जैसे एट द हाई ऑफ द डे एट द लो ऑफ द डे, मतलब इंट्राडे के लो पे। प्लस अगर आप चाहो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो 1,000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000 क्वांटिटी हो गई, तो जैसे भी 1,00,000 का कोई ऑर्डर पड़ेगा तो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब 1,00,000 क्वांटिटी का ऑर्डर पड़ेगा तो, हालांकि 1,00,000 का बहुत कम पड़ता है, 10,000 रखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू आप कर सकते हो, वैल्यू में आपका रहेगा लगभग समझो कि 2 करोड़ का ऑर्डर, तो 2 करोड़ का अगर कोई एक ऑर्डर पड़ेगा तो तुरंत आपका सिस्टम में आ जाएगा, समझ रहे ना। और ये सब चीज़ें बाहर फ्री में नहीं मिलती, इंट्राडे यहाँ पे ट्रेड टाइगर में फ्री, मतलब फ्री मिलता है। तो 2 करोड़ के ऊपर का अगर कोई ऑर्डर लगेगा तो मतलब एग्जीक्यूट होगा तुरंत आपका आ जाएगा, एग्जीक्यूट हाँ ऑर्डर अगर कोई एग्जीक्यूट होगा तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 करोड़ के लिए यहाँ पे 200 लिख दो, 200 लैक्स दैट मीन्स कि 2 करोड़। अब यहाँ पे प्राइस गेन बाय फिल्टर लगा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, स्टॉक में न्यू हाई स्टॉक मेकिंग न्यू लो, मतलब ये पूरा नया हाई बना रहा, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर स्टॉक मेकिंग न्यू लो दैट मीन्स कि वो इंट्राडे लो, मतलब ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम लास्ट अबाउ 2 वीक एवरेज वॉल्यूम, इसका मतलब है कि पिछले 2 वीक की जो वॉल्यूम थी वो एवरेज से ऊपर चला है आज की वॉल्यूम। और आप यहाँ पे चाहो स्टॉक मेकिंग 52 वीक हाई, स्टॉक मेकिंग 52 वीक लो, अपर सर्किट का खैर खत्म पता, और ट्रेंडिंग लगा दो। ओके और यहाँ पे लगा सकते हो फॉल फ्रॉम डे हाई, मतलब ऊपर से 2% गिरा हो या फिर नीचे से 2% रिकवरी हुई हो, या आप कंडीशन लगा सकते हो, इन सब की जरूरत नहीं होती। ओके अब यहाँ पे मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे आप आ सकते हो टिप क्वेरी में, अपने कुछ पोजिशन को अपनी कुछ मतलब समझो कि यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है उसको बना सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक बता देता हूँ, लेट से मैं बनाता हूँ प्रीवियस
डे हाई, इसको यहाँ पे पी डी ब्रेकआउट, ओके, मतलब प्रीवियस डे का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको पूरा हटा दो, दो कॉलम लगा दो, तीन कॉलम, क्योंकि मुझे तीन कंडीशन लगानी है, ओके। मुझे चाहिए प्रीवियस डे का ब्रेकआउट भी हो, आज की वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो, और जो करंट वॉल्यूम ट्रेड हो रही है वो कम से कम 10,000 या 1,00,000 के ऊपर हो, मेरी कंडीशन अपने हिसाब से। तो ये जो आपका ट्रेड बनेगा और प्रीवियस डे का, जिसको आप लोग न्यूज़ चैनल पे लोग यही देते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस डे का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुरंत आपका यहाँ पे शो करेगा, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो ब्रेकआउट बेसिस पे। ठीक, ऐसे ही आप इसका अपोजिट साइड का ब्रेकडाउन के लिए बना सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे तीन आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करना है, दैट मीन्स इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। करंट मार्केट प्राइस यानी अभी की प्राइस इज इक्वल्स टू प्रीवियस हाई, जैसे ही आज की प्राइस पिछले दिन के हाई के बराबर पहुंचेगी तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, अगर बाकी कंडीशन मैच होगी तब। तो यहाँ पे पहला वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड मतलब और, क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी, ओके, यानी आज की जो आज की टोटल वॉल्यूम कल की टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको ओपन करना है, मतलब ब्रैकेट आपका होना चाहिए, फिर इसके बाद एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, और अभी की जो प्रेजेंट टाइम पे क्वांटिटी है वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, 10,000 छोड़ो, आई थिंक 1,00,000 कर दो, एक सेकेंड, क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 50,000 कर देता हूँ, फिफ्टी थाउजेंड इसलिए कर रहा हूँ, देखो आप चाहो तो 1,00,000 भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके एम्फेसिस, माइंडट्री या फिर आपके समझो कि ये सब ऐसे जो स्टॉक है इनमें 50,000 की वॉल्यूम भी बहुत बड़ी वॉल्यूम मानी जाती है, क्योंकि उनका लो वॉल्यूम का बेस है, तो आप वो भी कर सकते हो। हालांकि ये स्टॉक वॉलेटाइल बहुत रहेंगे, आपको ध्यान देना है, वो हाई बीटा के टाइप में आते हैं, तो आप चाहो तो 1,00,000 भी कर सकते हो, मैं 50,000, मैं तो 10,000 का यूज़ करता हूँ, बट आप लोग 50,000 का करें, सेफ रहेगा। अब यहाँ पे आपको तीन ब्रैकेट क्लोज कर देना, तो आपका देखिए यहाँ पे तीन ब्रैकेट ओपन, अंदर आपने हमने तीन कंडीशन डाली, हमारी कंडीशन ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरीके से एज ए गिफ्ट, आज मैं अगर लाइव हूँ तो ये समझो, ओके भाई, कि कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आज की अब जो अभी करंट मार्केट प्राइस प्रीवियस डे के हाई के बराबर पहुँचेगी तुरंत आ जाएगा, अगर ये बाकी की कंडीशन मैच होगी तब, यानी आज की वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा होगी और जो प्रेजेंट टाइम पे वॉल्यूम है वो 50,000 से ऊपर होगी। अब मैं इसको करता हूँ ओके, तो ओके कर दो, उसके बाद यहाँ पे आकर के उसको सिलेक्ट कर लो, ऐसे ही ठीक लो के लिए भी बना सकते हो, ओके, प्रीवियस डे कर लो, तो ब्रेकडाउन अगर आप करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, खाली आपको क्या करना है प्रीवियस डे लो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं करता हूँ चूँकि टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करना है आपको, इसके बाद सेव एंड रन करना है। मैं यहाँ पे अभी अगेन आपको इसको नेम दे देता हूँ टेस्ट, यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए और रन कर दीजिए, यहाँ पे इसको राइट में आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रखता हूँ, प्रीमियम ओके, डेल्टा नहीं दिखेगा, चलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको ये NSE एक्सचेंज को हटा सकते हो, यहाँ पे आकर के सब पूरा आप सिर्फ NSE सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो 100 की, मतलब 100 रुपये के ऊपर वाले स्टॉक आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो प्रीवियस डे का लो भी आपको दिखाई दे रहा है, 100 रुपये के ऊपर वाले स्टॉक भी आ रहे हैं और वो सब आएंगे। अब आप अगर चाहते हो पर्टिकुलर किसी आपको इंडेक्स में दिखे, जैसे कि निफ्टी वाले दिखे, तो सिर्फ निफ्टी में आपको यहाँ पे तीन स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, और अगर निफ्टी 500 का लोगे तो आपको निफ्टी 500 के हिसाब से मिलेंगे, ओके। तो ये आपका रहेगा वॉल्यूम, देखिए इनमें सब ज़्यादा चल रहा है, मास्टेक में वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट्स में वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब जो आज की वॉल्यूम है पिछले दो वीक की वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। ये देखिए प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है, तुरंत आ गया, आप इसका चार्ट ओपन करिए। ये देखिए प्रीवियस डे का जो हाई था, मतलब आई थिंक यहाँ पे हो गया था, तो हम उस टाइम पे बना रहे थे, तो जैसे यहाँ पे आता तुरंत आपका ये हो जाता। अब नीचे, अब इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब इसको देख लेते हैं, पहले इसका डेली का ट्रेंड देख लो। डेली का ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा सा नीचे जाकर के आ गया, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, और वॉल्यूम भी आज की वॉल्यूम से ज्यादा है तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये पुल बैक ले रहा है, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला। तो चलिए हम यहां पे एक ट्रेड बनाते हैं कि कैसे किस तरीके से होगा। यहां पे मैं बाई कर लेता हूं, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 8 पॉइंट का मिनिमम, ओके।
ये एक आपका ट्रेड बनेगा प्रीवियस डे के ब्रेकआउट के बेसिस पे। क्लियर, ब्रेकआउट हो गया प्रीवियस डे का, कैंडल आज की जो वॉल्यूम है हाई है, और आपका यहाँ पे ट्रेड आप एक ले सकते हो। चलिए मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ सिस्टम में आपके, ताकि आपको कुछ समझ में भी आए कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अब आप चाहो तो यहीं पे बाई कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे इसके ऊपर, क्यों भाई, चलो यहाँ पे आप ज्योति लेवल लगा लो। आप यहाँ पे जाओ बाई कर लो, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटीज बाई करता हूँ। अब मुझे स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगाना है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इन्वेस्टमेंट की जगह पे, मैं बिग ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक बिग ट्रेड में है भी कि नहीं है, देखना पड़ेगा, बिग ट्रेड में होगी तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं होगी, तो मुझे सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है 191 का, तो यहाँ पे 191 का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। टारगेट मेरा होगा ऑलमोस्ट 8-4-12, मतलब 202 का समझ लेता हूँ, 202 कन्फर्म कर देना है। यस, ऑर्डर चला गया। ओके, चलिए ऑर्डर आपका चला गया, फुली एग्जीक्यूटेड, बाई हो चुका है। ब्रैकेट में आपका यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिए तो आपका ये मिल जाएगा पूरा फुल। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है 191 का, टारगेट है 202 का। अब अगर नीचे जाएगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, ये आपका देखिए प्रीवियस डे के ब्रेकआउट के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, वो लॉजिक आपको मैंने बताया। क्लियर, इसमें ध्यान देना है कि डेली का ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, डेली का ट्रेंड नेगेटिव है तो मत करो। ओके, चलिए अब देखते हैं और कोई स्टॉक ढूंढते हैं। जैसे अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो ना, तो आपका शुरू में यही काम होना चाहिए, आपको स्टॉक ढूंढने हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना है और ऑर्डर लगा करके भूल जाना है। ओके, फिर उसमें जानो, फिर अगला स्टॉक ढूंढो। अगला स्टॉक आपको यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं, कि कोई अगर आएगा उसके बेस में वहाँ पे फिल्टर निकल के आता है, तो अदरवाइज आप अगर चाहो तो यहाँ पे मार्केट अभी भूली सी है। ओके, अब यहाँ पे समझो कि पहले तो आप यहाँ पे पूरे के पूरे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने निफ्टी के जितने भी मार्केट के जितने भी एफ एंड ओ वाले स्टॉक हैं उनको मैंने ऐड कर रखा है। ओके, एफ एंड ओ की सभी स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे आकर के अपना कोई पैटर्न खोजो, लेट्स से कि जैसे मुझे देखना है कि आरती इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि कहीं पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन होने के बाद अब प्राइस उसके पास गई है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि अगर डबल टॉप हुआ होगा, डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ होगा और प्राइस उसके पास पहुंचेगी तो वो रिजेक्शन लेकर के नीचे आएगी, ये एक लॉजिक होता है। तो मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ क्या कहीं बना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप पैटर्न को फाइंड आउट करो कि आपका पैटर्न क्या है, देन उसके बाद आप यहाँ पे उसको ढूंढो कि किसी स्टॉक में बन रहा है कि नहीं। तो आप स्टॉक ढूंढो, जैसे यहाँ पे देखो मिल गया आपका ABB, पहले ही मिल गया और आपका वहां से आपका नीचे आ चुका है, ये आपका यहाँ पे रिजेक्शन आता है, 15 मिनट का रिजेक्शन आ रहा है, इसको मैं 3 मिनट में करता हूँ। तो आपका यहीं पे ट्रेड बन गया और आपको इंट्राडे में आई थिंक 10-15 पॉइंट तो मिल ही गए होंगे फ्यूचर में अच्छे खासे। ये आपका रिवर्सल हो गया, कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका ओपनिंग 150 और अभी 134, 15 पॉइंट का आपको डाउनफॉल मिल गया इजिली, लॉजिक समझ रहे हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो कि कोई आप एक पैटर्न, यहाँ तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि आप ये कर सकते हो। डबल टॉप का देखो, यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन है और ब्रेकडाउन होने के बाद वो सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर उसके पास प्राइस गई तो अगेन नीचे जाती है, ये लॉजिक है। ओके, और ऐसा होता है। तो और प्रेजेंट टाइम में मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन है, तो जितने भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो अगर वो पूरे स्ट्रांग नहीं होंगे ना तो वो फिर से नीचे आएंगे, ये लॉजिक समझो, क्योंकि उनका ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये ABB आपका ऊपर जा रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर जो वो हैं आपके वीक हैंड्स वाले वो निकलेंगे, देखो 26-25 रुपये मिल गया आपको, तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। फिर और आप देखो सी लॉजिक क्या है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस स्टॉक को फाइंड आउट करते रहना है और ट्रेड लगा करके स्टॉप लॉस टारगेट लगा करके भूल जाना है। क्वांटिटी आपके पास उतनी नहीं है जितना आपका पर डे का एसएल होना चाहिए। चलिए और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और ढूंढता हूँ कि क्या कोई बन रहा है मुझे। यहाँ पे आपका नहीं बन रहा है, ये आपका यहीं पे बन गया था, देखो ये जो आपका रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया। ओके, नीचे से रिजेक्शन आया है, यहाँ पे भी सेम चीज़ वही हुई, सेम आपका देखो सब अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब सेम वही लॉजिक हो रहा है। डबल टॉप आपका बना है, ये 3 मिनट की कैंडल है, आपका डबल टॉप, वहाँ से फिर ब्रेक डाउन आपका नीचे आ गया। तो 4-4, 5-5 पॉइंट भी आप लोगे ना अगर, तो वो भी बेस्ट रहेगा, लॉजिक समझो। 5 पॉइंट मिले निकल जाओ, इंटरनेट ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं लेना होता, वहाँ पे 5 पॉइंट मिला भागो, 5-6 पॉइंट मिला मतलब एसएल टारगेट के हिसाब से भागो इस तरीके से। तो दिन भर में आपके 20-25 ट्रेड होंगे, धड़ाधड़ आप ट्रेड करोगे। और इसके लिए आपके पास दो स्क्रीन होनी चाहिए, एक स्क्रीन जहाँ पे आपका चार्ट लगेगा या फिर आपका एक जगह पे ऑर्डर डालो। ओके,
तो आप चाहो तो मोबाइल पे ऑर्डर डाल सकते हो या फिर आप वहाँ पे ये अपोलो हॉस्पिटल देखिए, अपोलो हॉस्पिटल का अभी अगर हम देखें तो इसका ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ओके। और ऊपर अभी ये फ्लैगन पोल बनाएगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो निकलेगा, अदरवाइज इसके नीचे जाएगा, मतलब जो 4209 है, 4209 के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो फिर वो नीचे आएगा, तो आप अगेन सेल कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एशियन पेंट 15 मिनट पर कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट और अच्छे से मिले। वही ऊपर से रिजेक्शन, ये नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे थोड़ी सी बुलिश दिखाई दे रही है, बट इसके पीछे का लॉजिक होगा। देखो अब ये प्राइस सेशन क्या है, नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे गई, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गई, तो अब ये ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल या फिर 5 मिनट की कोई कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है तो आप एक ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हो, पहला टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा। और स्टॉक ढूंढते, तो स्टॉक आपको ढूंढते रहना, इंट्राडे ट्रेडर का काम है स्टॉक ढूंढता रहे और वो ट्रेड करता रहे। बर्जर पेंट, भारत फोर्ज, सिप्ला भी देखिए ऊपर जा रही थी, लेकिन अगर वो यहाँ पे आई और यहाँ से कोई रिवर्सल मिला तो आप सेल कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर, कोलगेट देखो कितना ऊपर चला गया, हमने सुबह सुबह कोलगेट को डिस्कस भी किया था और हमने वहाँ पे इसमें प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ होगा, उसके पहले अगर मैं रखता हूँ तो, क्योंकि आज कोलगेट को अगर हम देखें यहाँ पे कोलपाल और इसकी वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊँ, प्रीवियस क्वान्टिटी आज की क्वान्टिटी 10,000 लाख, देखिए कल की क्वांटिटी इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख है, ओके, और आज की क्वांटिटी 7 लाख है, तो क्वांटिटी भी हाई हो गई पिछले दिन से। और इंट्राडे में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा प्रीवियस डे का या फिर इंट्राडे का ब्रेकआउट, तो वहाँ पे वो स्टॉक उसमें स्कैनर में आ जाता, जो हमने एक स्कैनर बनाया और यहाँ पे आपका सीधो देखो ऊपर निकल गया, और हमने अभी जस्ट बोला भी था कि आप इसको प्ले कर सकते हो बाई साइड में, तो आपका देखिए कितना इजीली निकल गया और आपका मिल गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेड करते रहने हैं, इंट्राडे ट्रेडर का काम है धड़ाधड़ ट्रेड गिराना, मेरी तरह यूट्यूब पे नहीं आता वो लोग। वाइट कैपिटल आनो ये अपने शेयर करना, 4 के 5 दिवस पहले सेमिनार थे हो तो वाइट आउट उड़ानो नवी जावी चाहिए हमसे। अब मार्केट थोड़ा ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, हाउ टू लिव ओके इंट्राडे स्टॉक्स, बताओ तो कैसे जल्दी से प्रॉफिट बुक करके। लेकिन बुक करके देखो आप इंट्राडे तुरंत ट्रेड करना है, ओके। ग्रेविटा देख लेता हूँ मैं, उसकी कंडीशन देखो रुपेश भाई मैच होगी तो ठीक है, हमारी जो ब्रेकआउट की कंडीशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर लगा नहीं पाऊँगा उसको। इसमें आपको ब्रेकआउट की कंडीशन देखनी होगी रुपेश भाई, अगर कंडीशन पास हुई होगी उसके बाद ही आपका रिटेस्ट कर रहा है, देन आप कर सकते हो प्ले। हालांकि ये आपका सपोर्ट ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब आपका ये पूरा पूरा सपोर्ट हो जाएगा, ओके। आप इसको यहाँ पे इजीली बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 295 का होना चाहिए, 295 के स्टॉप के साथ आप ग्रेविटा बाई कर सकते हो। देखिए फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करी, देन उसके बाद इसने पुलबैक दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उसको रिटेस्ट करने आया, तो ये आपका जो सपोर्ट का पूरा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस, ये सब आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो इस रिटेस्ट में आपका मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये बाउंस बैक करेगा, ओके, अगर इसके फंडामेंटल सही होंगे तो। क्लियर, मतलब फंडामेंटल सही भी नहीं होगा तो टेक्निकल बुलिश होगा तो आपका वो कर सकता है। हालांकि जो आपका ये फ्लैगन पोल दिखाई दे रहा है, फ्लैगन पोल बहुत स्ट्रेच हो चुका है,
सिर्फ ये फॉलोइंग चैनल के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, फ्लैग एंड पोल तो सही परफेक्ट नहीं है। ओके तो आप ग्रेविटा में ट्रेड कर सकते हो। और हाँ, वन क्लिक फिल्टर का क्या पैरामीटर यूज़ करते हो? मैं पैरामीटर यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, मजबूरी है। आप, मैंने आपको दे दिया, मैंने ब्रेकआउट का दे दिया, वो जस्ट समझो कि गिफ्ट ही है, मैं भी उसको यूज़ ही करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द प्रॉप डेस्क ट्रेडर उसको यूज़ करते हैं, मतलब जो प्रॉप डेस्क वाले हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो आप उसमें वो कर सकते हो। मैंने जस्ट अभी बताया है प्रीवियस डे का ब्रेकआउट, उसको आप डे के हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब इंट्रा डे का ब्रेकआउट, तो वहाँ पे प्रीवियस डे की जगह पे डे हाई कर दोगे। ओके, ये चीज़ मजडॉक देखिए काफ़ी ऊपर जा रहा है, काफ़ी बुलिश है। मजडॉक डॉकयार्ड में हमारा ब्रेकआउट भी हुआ था। ओके, यहाँ पे देखिए काफ़ी ऊपर जा चुका है ये, और अच्छा खासा ये मिला इसमें। वेस्ट लाइफ भी आपका बुलिश स्टॉक है। अपने ऑर्डर की कंडीशन देख लेते हैं क्या हुआ। 5 रुपये का MTM चल रहा है माइनस में, कुछ खास फर्क नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ब्रेकआउट के बाद लिया था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। ग्रेविटम बैंक निफ्टी सुबह सुबह हमने व्यू बना दिया। देखिए अभी जो हमारा बैंक निफ्टी का व्यू था ना, वो लगभग हो चुका है कंप्लीट। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए हम मतलब हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते ना, हम भगवान नहीं है, इंसान है। तो अभी आपका जो व्यू है, अब यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर 15 मिनट पे आपका ये शूटिंग स्टार बन गया, फिर आपका बेरिश कैंडल, तो ये 15 मिनट के हिसाब से आपका बेरिश बन रहा है। हालांकि अगर नीचे गया तो और नीचे जाएगा। ओके, स्ट्रेच हो चुका है काफ़ी मार्केट, और हमने शुरू शुरू में ही बाइंग कर रखी थी, तो आप बुक करके निकल जाओ, बहुत हो गया इतना। ओके, तो बैंक निफ्टी में अभी जो व्यू बन रहा है वो न्यूट्रल है। अगर आप 15 मिनट के बेसिस पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ओके, हालांकि आपका शॉर्ट करने के लिए फिर थोड़ा दूर आ चुका है, और आपका एसएल भी थोड़ा बड़ा होगा फ्यूचर में, आप फ्यूचर के हिसाब से आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट होगा डे लो यहाँ पे, बट रिस्की है, क्योंकि ओवरऑल क्या था आज का व्यू, ओवरऑल आज का व्यू था बुलिश, और नीचे से बाइंग हुई है, तो वो थोड़ा रिस्की लग रहा था, दैट्स वाई। डेविट और एक्सो इंडिया के बारे में, ओके, डेविट एंड एक्सो इंडिया, एक्सो नोबल का तो क्लियर है, डेविट का नाम नहीं सुने। ओके, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई आईटी का स्टॉक लगता है। देव इंफॉर्मेशन स्टॉक तो सही है आपका, पैटर्न सही है, परफेक्ट है। मुझे इसका फंडामेंटल एक मिनट चेक करने दीजिए। डाउ फ्यूचर्स देखिए अगेन आपका नीचे आ रहा है, वो 71, अच्छा 65 था, अगेन वहां से 10 पॉइंट बढ़ा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, डाइसी हो रही है पोजीशन। शुरू शुरू में क्या था आपका, पूरा पूरा बुलिश सेटअप बना था, बाद में फिर वो लॉन्ग बिल्ट, लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अभी शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग होता, अभी यहाँ पे बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट चल रही है। ओके, तो अभी ट्रेड में कुछ करने जैसा है नहीं। हाँ, अभी इनका डेबिट, अच्छा ये देखो मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई व्यू मत समझ लीजिएगा आप कि मेरा यही व्यू है, क्लियर। डेट थोड़ा सा इसके ऊपर है, डेट का बर्डन है, बट अगर डेट को कैसे ये लोग करते हैं, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल है नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है, और गोरे घुसे हुए हैं। और इसका बिजनेस देख लेते हैं। 1997 टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फॉर डिजिटल डिलीवरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग
लिवरेजिंग क्लाउड ऑटोमेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज, ओके, आईटी कंपनी है। आईटी स्टॉक्स तो डाउन ही चल रहे हैं, आपको पता है 224 करोड़ की कंपनी है, बीएससी में भी है, एनएससी में भी है। हेलो, हाँ हम ना जा भाई, ठीक ठीक स्टॉक ठीक है, थोड़ा सा छोटी कंपनी है, और अगर आपका इसमें कंपनी छोटी, अगर आप इसको पर्सनली जानते हो, इनके प्रमोटर को या फिर आप इनके एम्प्लॉयज़ को, किसी का आपका कांटेक्ट है, तो आप उनसे एक बार पूछिए कि क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है, मतलब अंदर सब कुछ ठीक है, चार्ट पे सही दिखाई दे रहा है, चार्ट पे स्टॉक बुलिश है आपका, ओके, और ये आपका ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट आ रहा है, तो चार्ट पे स्टॉक बुलिश है। सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे आप अगर जाना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होगा 190 का, ओके, 190 का स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो इसमें पोजिशनली, समझ गए, और आपका टारगेट भी होगा वही 1:3 का, तो आपका अगर 203 भी आप एंट्री करते हो और 90 का स्टॉप लॉस है तो 13 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 339, और एक रुपये खर्चा जोड़ दो तो 40 रुपीज़ का आपका टारगेट बनेगा, 40 + 203 यानी 243 का, 245 का आपका टारगेट बनेगा, 190 का एसएल एंड 245 का टारगेट, ये आपका एक पोजिशनली व्यू बन सकता है। क्लियर, एक्सो इंडिया, नहीं एक्जो से निकल जाइए, एक्जो आपका जो है बेरिस है, ओके, यहाँ पे अभी देखेंगे ये फ्लैग एंड पोल आपका बन रहा है, क्लियर, लॉजिक समझो, पहली बात तो इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मंथली में देखिए बुलिश था, उसके बाद आपका ये नीचे आ रहा है, तो रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन पूरा नहीं है कि भाई चलो डाउन हो चुका है, वीकली में आपका डाउन हो चुका है क्योंकि आपका देखिए लोअर लोज बनने चालू हो गए हैं, फिर डेली में आप अगर देखोगे तो डेली में भी आपका काफ़ी डाउन है, ओके, ये चीज़ आप समझिए। अब इसको अगर आप बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए नीचे से आपका एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ओके, तो अगर आपने एंट्री कर रखी है तो आप एक कंफर्मेशन का वेट करो, इसके नीचे का एसएल, मतलब इसके नीचे अगर क्लोज हो तो आप एग्जिट कर जाइए, ओके, क्योंकि वो फिर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न फेल हो जाएगा, और अगर जो अभी आपने एंट्री नहीं करी है तो आपको एंट्री करनी चाहिए इसके ऊपर, आपका अगर इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज आती है तो आप फिर आप कर सकते हो, और अगर आपको स्विंग करना है तो इसके ऊपर एक 60 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होगी तो उसका लो करके ऐसा लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, वो आपके लिए सही रहेगा, ओके, फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। रिलायंस, ओके, व्यू बताइए, रिलायंस में आपका व्यू कैसा आप चाह रहे हो, मतलब इंट्राडे चाह रहे हो कि पोजिशनल चाह रहे हो, ये भी बताइए, और आपने अगर कोई स्टॉक ले रखा है तो आप मुझे उसके क्वांटिटी कब आपने बाई करी थी तो वो भी बताइए, मतलब कब किस प्राइस पे लिया था, कितनी क्वांटिटी है। रिलायंस अब आपका खतरे के निशान पे आ चुका है, अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ, ओके, तो ही आपका ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो डाउन रहेगा आपका इंट्राडे के लिए, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डबल टॉप बन रहा है इसके ऊपर, इसके नीचे अगर क्लोज होगा डेली में तो फिर वो डाउन हो सकता है, बट अभी ठीक है, सपोर्ट लेगा। शॉर्ट बिल्टअप अब हो रहा है, ऑलमोस्ट छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रहा है, बट हो रहा है, यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ शॉर्ट बिल्टअप है, ओके, देखो ये सब आप इसको जल्दी में यूज़ करना मत करना, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ता है, सभी चीज़ें देखनी पड़ती है, दैट्स वाई आप इसको अगर पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही यूज़ करिए, अदरवाइज ये आपको रिस्की हो सकता है। पूरा आई थिंक गिव अप हो चुका है ऊपर का गेन, निफ्टी अभी फिर भी बुलिश है।
मझगांव डॉक यार्ड आपका देखिए पूरा बुलिश है। तो ऐसे में क्या है, आपको ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर लगा लेना है। देखिए काफ़ी बुलिश है इसमें, आप देखो तो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट मस्त हुआ है और अच्छा खासा चल गया है। तो ऐसे ही जो चल रहे हैं ना, जो चलते घोड़े उनमें बैठ जाओ, ये चीज़ चलती ट्रेन पकड़ो। ये ज्योति बहन तो एकदम शांत हो गई है लगता है। नहीं नहीं ये बॉक्स नहीं है, बॉक्स मान सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लगभग डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ रहा है बट कंफर्म नहीं है। इतना बड़ा बॉक्स बड़ा हो गया है काफ़ी, शॉर्ट टर्म में अगर प्ले करना होता तो ठीक था, बाकी इसका मोमेंट बढ़ाएगा। तो बॉक्स आपका लगभग है, बॉक्स है आपका 1 मिनट में, और अभी आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर आपका बेरिश हो जाएगा। बंधन बैंक में एवरेज करना, बंधन बैंक तो देखना पड़ेगा चार्ट। बंधन बैंक सर जी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको आप ट्रेडिंग के लिए अगर लिया होगा तो आप स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही नहीं लग रहा है, चार्ट पैटर्न इसका सही नहीं है। ओके ये आपका देखिए अभी ये बेरिश फ्लैग एंड पोल आप इसको समझो, जो आपका बन रहा है ये बेरिश फ्लैग एंड पोल बन रहा है नीचे। ओके तो अगर ये इसके नीचे गया तो ये काफ़ी बुरा हो जाएगा, इसको आप अगर आपने होल्ड होल्ड कर रखा है तो इसमें थोड़ा इसके नीचे अगर लो क्लोज होगा तो आप एग्जिट कर जाइएगा। ओके बंधन बैंक में बेरिश फ्लैग एंड पोल है, इसका अगर नीचे चला गया तो फिर आपके लिए वो खतरा है। जी बोलिए प्रवीण भाई साहब। इनका मल्टी स्ट्राइक वाई लोड ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। अपस्ट्रा में 17,450 में पुट थोड़ा सा डाउन है, 400 तक तो और मतलब आई थिंक ऊपर ही जा रहा है, 350 आपका सेफ है। इंट्राडे में लिए, इंट्राडे में 350 आपका सेफ बन रहा है अभी, 350 तक आप सेफ हो, 300 तक तो एकदम सेफ हो। ओके तो 300 नहीं तोड़ेगा, अगर 300 तोड़ता है देन फिर दिक्कत आती है। ओके तो 350 और 300 तक सेफ हो, क्योंकि वहाँ पे पुट का ओडिशन हो रहा है, ओ आई ओडिशन हो रहा है। देखिए पुट का ओ आई सबसे ज़्यादा है 300 पे,
तो 300 आपका सेफ है, ओके, इंट्राडे बेसिस पे 305 पे चल भी रहे हैं। टाइटन वाला ट्रेड जो प्रॉफिट मानते हैं कोई है जो ये छे ब्लू एक्सपर्ट छे तो बुलिस बटरफ्लाई बना बाकी दो ये जो लो के हमार के लो रिटर्न आई या फ्लैग एंड पोल बनता, बट फ्लैग एंड पोल में क्या है बहुत बड़ा ये फ्लैग इतना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, फ्लैग इतना स्ट्रेच होगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रेच हो चुका है। फ्लैग में क्या होता है कि फ्लैग एंड पोल में उसका पिछला कोई भी जो एक स्विंग होना चाहिए वो टूटना नहीं चाहिए, तो अभी इसको बोलते हैं बहुत रिचेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है फ्लैग। DLF बढ़िया लग रहा है, 1000 तक जाएगा DLF, यस DLF आप कर सकते हो, मैंने DLF के ऊपर ट्वीट भी किया था। DLF में लॉजिक ये लग रहा है मुझे कि ये जस्ट डिस्क्लेमर आप समझिए कि सिर्फ मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। DLF में अभी पॉइंट है कि जो कंसोलिडेशन है ना, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है, ठीक वैसा ही कंसोलिडेशन रिलायंस में हुआ था जब रिलायंस 2008 and 2012 के टाइम पे नॉर्मल वहाँ पे चला था, उसके बाद सीधे 3x हो गया, तीन गुना हो गया, तो वही चीज़ अभी वहाँ पर, मैंने उसको ट्वीट भी किया हुआ है दोनों का चार्ट, आप अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर करिए, थोड़ा सा बुलिश लग रहा है और अगर उसमें ऊपर आपका ट्रेंड बनता तो आप उसमें कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट और ये सब फॉलो करना है, क्लियर। उतना ही कैपिटल एलोकेट करिए जितना आप होल्ड कर सकते हो, लंबा मंथली चार्ट अगर आप इसका ओपन करोगे। ये देखिए मंथली चार्ट का लंबा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट है, देन रिटेस्ट है, अब ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है, फिर आपका ऊपर जाएगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा देन आप इसके ऊपर अगर क्लोज करता है डेली में वीकली में तो आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो हालांकि एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है इसके ब्रेकआउट पे, बहुत पुरानी एंट्री थी, बट आप अगर यहाँ पे भी चाहते हो तो यहाँ पे भी एंट्री अगेन हो चुकी है, तो ऑन एन एवरेज 372 अभी भी देर नहीं हुई है, बट इसमें उतना ही एलोकेट करिए जितना आप आने वाले 5 से 10 सालों के लिए होल्ड कर सकते हो, तो ही क्योंकि मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है तो आपका इसमें टाइम लगेगा, और अगर ये सही चल गया, ये जो पैटर्न है काम कर गया जैसे कि रिलायंस में किया था, तो 3x यहाँ से होना फिक्स है, ओके। सो आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो। राउंडिंग बॉटम से अच्छा है मंथली चार्ट देखिए, आपको वो मिलेगा, एक्यूमुलेशन मिलेगा। मार्केट गिरा है क्योंकि जो हमारे जेरोम पावेल साहब हैं, मैंने वीडियो बनाया था कल, आप देखिए वीकलेंसेस, फेड के चेयरमैन हैं, जैसे हमारे यहाँ पे RBI गवर्नर साहब हैं, तो फेड के चेयरमैन वहाँ पे हैं जेरोम पावेल, उनका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे RBI गवर्नर साहब कुछ भी बोलेंगे तो उसका इफेक्ट आता है, तो उन्होंने एक
यहाँ से भी देखिए आपका ये कैंडल बन रहा है, तो इसका आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो। ओके, एक यहाँ पे कोई रिस्की ट्रेड ले सकता है, थर्टी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका डी आई होगा, डी आई नहीं होगा, डी आई से थोड़ा सा नीचे डी आई पकड़ लो। ओके, तो ये कोई ट्रेड ले सकता है, देखते क्या होता है। तो जेरोम पावेल साहब हैं, उन्होंने लोगों को ऐसी उम्मीद थी, मार्केट को ऐसी उम्मीद थी कि ये थोड़ा सही स्पीच देंगे और थोड़ा सा कुछ मतलब कहते हैं ना कि अग्रेशन में नहीं आएंगे, कुछ बुरा नहीं बोलेंगे बस। तो अब उनका काम है बुरा बोलना, बुरा बोल दिया तो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, और मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लॉजिक ये है कि मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। डिस्काउंट इसलिए कर रहा है कि उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि सितंबर में जो भी जीडीपी एंड उसके जॉब डेटा या फिर जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसके हिसाब से हम रेट को तय करेंगे, मतलब रेट को हम क्या बनाना है वो उसके हिसाब से करेंगे, मतलब कितने बेसिस पॉइंट का बढ़ाई होगा घटाई होगा जो भी कुछ होगा वो डेटा आने के बाद होगा। तो डेटा अभी आया नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो उस अनसर्टेनिटी को लेकर के मार्केट अपने आप को अभी डिस्काउंट कर रहा है ताकि सेफ हो जाए। मतलब से मार्केट हमेशा क्या करता है, सेफ गेम प्ले करता है। आप ये समझो, जैसे कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो हमने क्या किया था, अपने घर में अनाज और ये सब इकट्ठा कर लिया था, तो हमने सेफ प्ले करा। तो बस वही चीज़ है, मार्केट अपने आप को क्या करता है, सेफ प्ले करता है। ओके, तो दैट्स वाई मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के पीछे का और कोई अलग कारण नहीं है। डाउ फ्यूचर भी ठीक ठाक ही है, सेवेंटी 600 के कॉल में एसएल हो गया 25 रुपये का, 18 रुपये हमने शॉर्ट करा था तो 25 रुपये हो गया, उसमें एसएल हो गया, निकल जाइए ये चीज़। और देखिए 313 मार्केट चला है, 300 पॉइंट ऊपर दूर का भी इसमें 600-700 रुपये की मूवमेंट आ रही है, तो ये वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा है समझो। वीक्स देखो, वीक्स आपका ऑलमोस्ट 9 पॉइंट ऊपर है, समझ रहे हो, तो वीक्स अगर हाई है तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, इसलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए सही नहीं है आज का दिन, ऑप्शन सेलर के लिए सही नहीं है। देखिए अडानी ट्रांसमिशन आपका नया हाई मार रहा है, अडानी ग्रुप अपने ही मस्ती में चलता है। ओके, देखिए कितना कितनी बड़ी मूवमेंट है, आज का लो है 35.22 और अभी चला है 3846, तो ये वॉलेटिलिटी है अडानी के ग्रुप में, स्टॉक्स में।
ओके, तो आप लोग अपना डाउट आप लोग पूछ लो, अदरवाइज मैं इसको क्विट करता हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे बहुत हो गए। और क्लियर कट में समअप कर दूँ तो देखिए हमारा जो लेवल था वो परफेक्ट लेवल काम किया, 17,160 काम ने लेवल निकाला था और आज का लो है 166। ओके परफेक्ट चला गया। प्री मार्केट डेली वीडियो फॉलो करिए, प्री मार्केट एनालिसिस का डेली वॉच करिए, उसमें लॉजिक भी मैं बताता हूँ, कहाँ से ट्रेड करना है वो बताता हूँ, और बिना डरे आप ट्रेड करो। ओके यही सब चीज़ें हैं। देखिए मैं लाइव बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि मैं ब्रोकर हूँ, तो मुझे अभी मैं समझो कि अपने पूरे काम को रोक रखा है मैंने, अपने सभी क्लाइंट्स को बोल दिया था मैंने, बट लॉजिक है कि आप इतना ज़्यादा मैं लाइव नहीं आ सकता और इसलिए मैं लाइव में कभी वीडियो नहीं बनाता, बट एक ऐसा होता तो मैं एक स्क्रीन और एक ऐड कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, मतलब यहाँ पर, तो उसमें लाइव चलता रहेगा, वहाँ पर फिर मेरे क्या है कि मेरे जो ऐसी चीज़ें जो मुझे शो नहीं करनी है वो चीज़ सेफ रहेंगे, तो मेरे सिस्टम में वो चलेगा, अलग से मैं एक स्क्रीन लेकर के फिर लाइव बैठा रहूँगा, तो वो फिर आपके लिए सही रहेगा। अभी देखिए लाइव में क्या है कि मार्केट में, मार्केट के टाइम पे मार्केट में भी बना रहता हूँ, तो वहाँ पे फिर वो फ्लैग एंड पोल के बारे में बताओ, फ्लैग एंड पोल के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा पूरा, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मेरे चैनल पर वीडियो मिला है, आप चैनल पर जाइए, कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखिए सर्च बॉक्स में फ्लैग एंड पोल, फ्लैग भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ये देखिए फ्लैग एंड पोल का मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा इसमें टॉपिक समझाया, बहुत अच्छे समझाया, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको देख लीजिए। आपकी कैसे मार्केट रीड करते हो, क्या साइकोलॉजी होती है, सीखने को मिलता है लाइव, पूरा प्रोसेस किया फॉलो करते हो। देखिए मैं जो चीज़ें करता हूँ वो ठीक ही है, बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइव में नहीं आ सकता ना, लॉजिक ये है। लाइव मेरा प्लान है अगले साल से करूँगा, अभी नहीं। अभी डेली बेसिस पे आपको ये जो प्री मार्केट आफ्टर मार्केट के वीडियो मिलते हैं वो बहुत स्ट्रांग, आप समझो कि बहुत मतलब ये कोई हल्के नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होगा, आप फॉलो करिए, पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एनालिसिस होती है, तो प्रॉपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मार्केट में देखो सब लोग गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गिरने के बाद और गिरेगा कि बढ़ेगा वो कोई नहीं बता रहा था, मैंने क्या बोला था मार्केट पॉजिटिव टू वॉलेटाइल, आप अगर प्री मार्केट वाला वीडियो देखोगे तो पॉजिटिव टू वॉलेटाइल, गैप डाउन हुआ सेंटिमेंट की वजह से, उसके बाद कहाँ गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आप उसको देख सकते हो और सही तरीके से फॉलो कर सकते हो, तो वीडियो को डेली फॉलो करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी सही तरीके से मिले, तो बस लॉजिक यही है। आपने अगर ले रखा होगा कॉल साइड में तो फिर वो आपके लिए सही नहीं था, हाँ, बट आपने अगर ले भी रखा होगा तो इंट्राडे में आप अगर बाई करते हो तो पुट की तरफ आपको मतलब इंट्राडे में बाई की तरफ आपको अच्छा रेंज मिल गया, और सुबह सुबह मैंने जस्ट यहीं पर बोल दिया था, लगभग आपका यहाँ पर कहीं पर था 1 मिनट के बेस पर, तो मैंने बोला कि आप बाई कर सकते हो, तो ये देखिए आपका सीधे सीधे ट्रेड बना। और प्री मार्केट में भी यही बोला था कि आप 17,160 का जो हमारा लेवल था वो नहीं टूटा है, वहीं 6 पॉइंट्स ऊपर मार्केट घूम गया, तो आप डेली उसको फॉलो करिए, सही ट्रेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट अभी आप नए हो तो थोड़ा कम रखिए। अतुल ऑटो और एक्साइड बहुत अच्छा स्टॉक है बट चलता नहीं, और अभी तो लिथियम आयन बैटरी का दिक्कत भी हो रहा है, हालांकि अभी जस्ट अभी कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, जो साउथ अफ्रीका है उसके ऊपर हमारा 12 बिलियन का कर्ज है, 12 बिलियन डॉलर का इंडिया का कर्ज है साउथ अफ्रीका के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया है कि उसने बोला कि आप मेरा लिथियम आयन का जो हमारा स्टोर है, मतलब भंडार है, वहाँ पर लिथियम आयन जाता रहता है, तो उसको यूज़ करने का और उसको इस्तेमाल करने की परमिशन इंडिया को दे रहा है साउथ अफ्रीका, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि लिथियम आयन बैटरीज बनाने में लिथियम आयन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हमें सस्ता मिलेगा, और देन उसके बाद थोड़ा सा वो इसके लिए सेफ रहेगा बैटरीज और इन सब के लिए, बट फिर भी ये चलता नहीं है। और हाँ, अगर चलेगा तो लॉन्ग टर्म में फिर ये काफ़ी अच्छा चल जाएगा, बट अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ओके, ये जो इसका
जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न है वो बराबर यहाँ पे आकर के देखो, इसमें मंथली पे इसने क्या बनाया है, आपका हेड एंड शोल्डर बनाया है बड़ा वाला, बट इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, ऊपर जा रहा है। तो अभी आप इसमें ट्रेड मत करिए, ओके, कोई खास इसमें वो नहीं है। इंट्राडे के लिए आपने पूछा होगा तो वो मुझे अलग से बता दीजिए। ऑटो अतुल, ऑटो अतुल, ऑटो अतुल तो बुलिस है थोड़ा सा, अतुल ऑटो में नीचे एक्युमुलेशन हो रहा है और मंथली पे भी और डेली में भी देखें अगर। डेली में थोड़ा सा ये ऊपर है बट आज ये प्रेशर की वजह से डाउन है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसमें रखो 173 का, 173 का स्टॉप लॉस रखो और इसके साथ आप होल्ड करो। मार्केट में अगेन सेलिंग आई, बैंक निफ्टी में एसएल हिट हो गया छोटा सा 40 पॉइंट का। अब यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि अगर ये नहीं, बाकी अभी अभी नहीं, अभी शॉर्ट मत करो। इसके नीचे क्लोज हो 5 मिनट की कैंडल, देन आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इस यहाँ पे आए तो बाई करने का ट्राई करो, अगर रिवर्सल मिले 1 मिनट पे तो बाई करो, और इसके नीचे जाए तो ही आप शॉर्ट करोगे, अदरवाइज नहीं।
ગઈકાલે તો અહીંયા પેલું મંડપ છે ને પેલું આપણી ગણપતિનું, હા, પ્રોજેક્ટર મૂકીને ચાલુ કરાવી દીધા બધા, મસ્ત રાત રાત્રે સુધી મજા થયું. છેલ્લે પેલું પાંડ્યા મસ્ત માર્યો, હા, એટલે એ વિકેટ પણ લીધું હાર, એની એટલે બોલ, એ બોલર છે કે બેટમેન છે? ઓલરાઉન્ડર કહેવાય. ઓલરાઉન્ડર, હા, ઓકે, સારો એનો રમી ગયો બોલિંગ, એ પણ લીધું ને તો છેલ્લે મસ્ત મારી પણ, હા, મારી બી ગયો 17 માં. टाइगर उल्टा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपके सभी वीडियोस देखे हैं. टाइगर उल्टा क्यों करना है आपको सर जी? उल्टा क्यों करना है आपको? उल्टा मीन्स कि उल्टा में क्या आप करना चाहते हैं वो मुझे बताइए. ये देखिए, आरबीएल बैंक में 2 करोड़ की वैल्यू से बड़ा ट्रेड हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 2 करोड़ से बड़ी, 2 करोड़ से बड़ी वैल्यू का ट्रेड हुआ है. यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे कहीं पर ट्रेड पड़ा है 10:55 के टाइम पे. ओके, ऐसे ही मतलब क्या है ना, ये सब एल्गो क्या करते हैं, वही करते हैं, बड़ा ऑर्डर लगेगा वहीं साथ में अपना भी ऑर्डर मार देंगे. दीपक नाइट्राइट सब ऊपर ही जा रहे हैं. आर सी एफ बुलिश है थोड़ा सा, अभी फर्टिलाइजर सेक्टर में बुलिशनेस आ रही है. आरसीएफ में बुलिशनेस आ रही है, आपने अगर ऊपर एंट्री करी होगी तो थोड़ा सा रिस्की है, वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें टारगेट आपका छोटा मोटा हो गया होगा, एसएल मतलब टारगेट आ गया होगा. और अगर आप फ्रेश लेना चाहते हो तो अभी इसमें एंट्री मत करो. चार्ट उल्टा देखना है, देखिए मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट मैं प्लानिंग करता हूँ, देख के एक बार ट्राई करता हूँ. नहीं, चार्ट उल्टा कैसे देखते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं फाइंड आउट करके आपको जवाब दे दूंगा. नहीं, रिपीट मैं नहीं कर सकता, आप उसको देख लेना रिकॉर्डिंग, मैंने करी मतलब इसी में, इसी वीडियो मैंने बताया आपको, उसको देख लेना. और प्रॉपर मैंने उसके ऊपर 3 दिन वीडियो बना रखे हैं, उसको भी आप देख लीजिए. ये देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है आपका, क्लियर. ऐसे छोटे छोटे क्या है जो स्काल्पर होते हैं ना, वो यही सब करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं बिंदास. तो जो हमारा बैंक निफ्टी वहाँ पे एसएल हुआ, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया. ओके, वहां पे 40 पॉइंट गया 25 के लॉट के हिसाब से, यहां पे 40 पॉइंट मिला 50 के लॉट के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट. एफ एंड ओ इनेबल नहीं हो रहा है टाइगर में, एफ एंड ओ के लिए फिर आपका इनेबल करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिए.
देखिए आपका सीधे सीधे 400 का हाई इसने मारा, यहाँ पे हमने प्लानिंग करी और यहाँ से ये सब लॉजिक समझिए, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट करिए। हार्दिक भाई हाँ, और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि इस सेटअप पे मैंने ट्रेड दिया है। ओके, जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो उनको पता हो गया कहाँ पे मैंने ट्रेड। तो तुम्हारी बात से बैंक चेंज करने से एक चेक के पासबुक खरी चेक पर तुम्हारा नाम आवे। हाँ तो ये वो एक तो मैंने ये चेक नो फोटो मैंने पासबुक नो जो फ्रंट पेज हो ने कि जे मतलब बैंक नो लोगो ने ये होई ये मैंने खाली सेंड कर दो प्रॉपर क्लीन देखायो। ओके, तो चलिए अभी मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि इसमें मैंने बताया जो भी है आप उसको प्रॉपर फॉलो करें, प्रोसेस कैसे देखना होता है, क्या सब देखना होता है, तो आपको सेटअप पता चल जाएगा। और डेली प्री मार्केट आफ्टर मार्केट एनालिसिस के वीडियो फॉलो करिए, उसमें सभी चीज़ें मैं क्लियर कट बताता हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको क्विट करता हूँ, फिर किसी दिन लाइव आ जाऊँगा, या फिर आप लोग मुझसे डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर आपका लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ऑलरेडी मैंने दे दिया, ऊपर स्क्रीन पर होगा, मतलब चैनल पे जाओगे मिलेगा 9737554319। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी होगी तो आप ले सकते हो। ओके, चलिए ओके, सो अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।